इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आपको एक अलग ही अनुभव होगा जो दूसरे अन्य संस्थानों से आपको अलग रखता है। दोस्तों, यह क्लास है MPPSC प्री के फाउंडेशन सुपर 30 बैच की, जो 19 अगस्त से शुरू हो चुका है। अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए, और अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अभी ज्वाइन करने के लिए कॉल करें 9111-83-1119 पर। चंद्रमा, ओके। तो बात आती है कि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मून एक कॉन्सेप्चुअल, मतलब इसका कॉन्सेप्चुअल है ना कि फैक्चुअल है। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा, और अगर समझ में नहीं आता तो फिर डिफिकल्ट बना रहता है, ठीक है। दूसरा, आवाज़ चेक करते रहिएगा। गुड मॉर्निंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप मेरी आपको आवाज़ आ रही होगी क्लियर। आज हमने काफ़ी बल्क में डेमोज भी दिए हुए हैं क्लास के, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स लेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग कुछ का चैट बॉक्स जो बगल में है उस पर आप कुछ ना लिखें क्लास के दौरान, क्योंकि फिर लेक्चर बीच में ब्रेक होता है। जो भी आपका डाउट रहेगा इन माई एंड ऑफ लेक्चर, मैं उसको क्लियर करूँगा, ओके। तो मेरा कॉन्सेप्ट चल रहा था मून से रिगार्डिंग, ओके। तो ये जो मून है, मून जो है, मून के बारे में कल मैंने डिस्कस किया था। अर्थ ज्योग्राफी का लेक्चर है ऑनलाइन स्टूडेंट से, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम द यूनिवर्स पढ़ रहे हैं अपने सोलर सिस्टम के बारे में, और सोलर सिस्टम में द मून को हम जान रहे हैं। इससे MPPSC में मैक्सिमम क्वेश्चंस कंटेन होते हैं। तो मैंने कल आपको बताया था मून्स, मैं यहां बना रहा हूं, एक मून में यहां बना रहा हूं, ओके। हमारा, जैसे कि मैंने कल के दिन डिस्कस किया था, जिसका शो नहीं हो रहा है, फ्लैश प्लेयर पे क्लिक करें, एडोब फ्लैश प्लेयर आ रहा हो, क्लिक करें, उस पर क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने कल डिस्कस किया था मून्स के रिगार्डिंग, हमारा एक ही चंद्रमा है, हमारी पृथ्वी का एक ही प्राकृतिक उपग्रह है, ओके। एक सैटेलाइट है जिसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल सैटेलाइट, ओके। इसे हम फोसल प्लैनेट भी कहते हैं, कल मैंने बताया था, जीवाश्म उपग्रह भी इसको कहा जाता है। चंद्रमा को हम जीवाश्म उपग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यह पूर्ण रूप से ग्रह नहीं बन पाया। अब बात आई थी, कल मैंने डिस्कस किया था, कुछ स्टूडेंट्स कल नहीं थे इसलिए एक बार रिवीजन कॉल है मेरा, कि ये जो चंद्रमा है बेसिकली पृथ्वी से 384,000 किलोमीटर फार अवे है। ये जो हमारा डिस्टेंस है 384,000 किलोमीटर है। अब चूंकि आप जानते हैं कि जो सन का रिफ्लेक्शन मून पे पड़ता है और उसी का रिफ्लेक्शन हमारी अर्थ पर हमें दिखाई देता है, यस ओ नो? जो सन का रिफ्लेक्शन होता है मून पे पड़ता है, और मून का रिफ्लेक्शन हमारी पृथ्वी पर दिखाई देता है। तो चूंकि जो प्रकाश है उसकी जो स्पीड होती है 300,000 किलोमीटर पर सेकंड की होती है, अब अच्छे से जानते हैं 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से प्रकाश ट्रेवल करता है। तो सन का जो प्रकाश मून पे पड़ता है, ओके, और हमें जो रिफ्लेक्शन उसका दिखाई देता है, तो 3 लाख किलोमीटर की दूरी 1 सेकंड में कर ली, बाकी 84,000 मतलब 30
यानी मैंने कल आपको बताया था 1.25 से 30 सेकंड में प्रकाश चंद्रमा से, चंद्रमा खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, सूर्य का रिफ्लेक्शन हमारी अर्थ पर एक सेकंड से, मतलब 1.5 सेकंड से भी कम में, 1.5 सेकंड से भी कम में हमारे पास आ जाता है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको? अब ये कल हम डिस्कस कर रहे थे, चंद्रमा पर विरल वायुमंडल है, यानी वहां पे गुरुत्वाकर्षण नहीं है। कितना गुरुत्वाकर्षण है हमारे अर्थ का? 1/6, 1/6। अब 1/6 होने की वजह से वहां का जो वायुमंडल होता है, जैसे हमारी पृथ्वी का जो ग्रेविटी है वो चंद्रमा के, मतलब हमारे वायुमंडल को खींच के रखती है। चूंकि हमारे चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, विरल है, तो वहां पे उसका वायुमंडल हो ही नहीं सकता, ग्रेविटी बहुत कम है, तो इसलिए वहां पे वायुमंडल कैसा, बहुत रेयर मीडियम, बहुत ही वायु। लेकिन फिर भी हमारे चंद्रमा पे 3 तत्व मौजूद होते हैं। 3 तत्व में मैंने कौन कौन से बताए थे? ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। ये 3 तत्व हमारे चंद्रमा पर मौजूद होते हैं, ऑक्सीजन, हीलियम और सिलिकेट। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है? ओके। हमने कई इसकी विचारधाराएं अपनाई हैं कि हमारा मून बना कैसे, चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ। प्राचीन थी, एक कॉमेट यानी धूमकेतु आया, पृथ्वी से टकराया, पृथ्वी का एक हिस्सा टूट गया और वो चंद्रमा बन गया घूमते घूमते। लेकिन धीरे 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 कई भय, जैसे प्रग्रहण परिकल्पना, जैसे हमने बात की थी कल, 3 परिकल्पना बताई थी मैंने, प्रग्रहण परिकल्पना, परिग्रहण कल्पना, विखंडन परिकल्पना, विखंडन परिकल्पना और अभिवृद्धि परिकल्पना, अभिवृद्धि परिकल्पना। यानी चंद्रमा को बनने के लिए, बनने में हमारी ये 3 परिकल्पनाएं मौजूद हैं, प्रग्रहण परिकल्पना, विखंडन परिकल्पना और अभिवृद्धि परिकल्पना, जिसमें से हम सबसे ज्यादा किसको मानते हैं? जयती, जयती। इन तीनों में से वर्तमान में किसको माना जाता है, कौन सी परिकल्पना हमारी सिद्ध है जिससे चंद्रमा का निर्माण उससे जुड़ा हुआ है? अभिवृद्धि परिकल्पना। अभिवृद्धि परिकल्पना मैंने बताया था कि पृथ्वी के चारों ओर जो चतुर्दिक जो कण होते हैं वो धीरे 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 आपस में जुड़ते चले गए, जिससे उसका आकार बनता चला गया। कितना समय लगा था चंद्रमा के निर्माण में? वेरी गुड। चंद्रमा के निर्माण में अगर मैं बात करूं तो चंद्रमा के निर्माण में 1000, इधर ही बैठो बेटा, एक इधर बैठो, आप एक इधर बैठो, चंद्रमा के निर्माण में 1000 से लगभग कई मिलियन वर्षों का समय लगा उसके फॉर्मेशन में। मेरी बात समझ में आ रही है? कल जो मैंने डिस्कस किया था उसका रिकॉल कर रहा हूं, कुछ हमारे स्टूडेंट नहीं थे जो रियली सीरियस हैं, सिर्फ उनके लिए क्लियर हो रहा है। तो तो हमारा जो चंद्रमा बना उसको बनने के लिए 1000 से लगभग कई मिलियन वर्ष का समय लग गया। मेरी बात क्लियर हो रही है? इंक्रीमेंट होता है, डिस्ट्रक्शन, कोलाइड होता है, कोलाइडनेशन हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, धीरे धीरे जो कंपोजिशन होता है, पार्टिकल्स होते हैं वो जुड़ते चले गए। तो कंपोजिशन हाइपोथेसिस अभी हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, ठीक है बेटा? हमारे लिए जो अभी कंपोजिशन हाइपोथेसिस हमारे में ज्यादा जरूरी है, जो चंद्रमा के निर्माण में हम अभी कंसीडर करते हैं। ओके, ये कल का है। तो जैसे ये 2 मून नहीं है, एक ही मून है हमारा, मैं समझाएं कि करा है। तो हमारा 384,000 किलोमीटर दूर है हमारा चंद्रमा हमारी पृथ्वी से। सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.30 सेकंड का टाइम लगता है, यानी 1.5 सेकंड से भी कम, क्योंकि स्पीड होती है 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। 1/6 वहां का ग्रेविटी है, जिसके कारण क्या होता है, वहां का एटमॉस्फेयर कैप्चर नहीं हो पाता, जो वायुमंडल है उसे खींच के नहीं रख पाता, इसलिए
चंद्रमा पे वायुमंडल है लेकिन इतना विरल है, रेयर है, जिसे ना के बराबर कंसीडर किया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, वहां पे तीन तत्व मौजूद है, थ्री एलिमेंट्स हमारे चंद्रमा पर पाए जाते हैं, ऑक्सीजन, हीलियम और सिलिकेट। ओके, इसे हम फोजल प्लैनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोजल प्लैनेट, जीवाश्म उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा कैसे बना? तीन हाइपोथेसिस उसके लिए बनाई गई है, प्रग्रहण परिकल्पना, विखंडन परिकल्पना, अभिवृद्धि परिकल्पना। जिसे वर्तमान में किसे कंसिडर करते हैं? अभिवृद्धि। धीरे 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 जो पार्टिकल्स थे उनका कंपोजिशन होता चला गया, जुड़ते चले गए और वो चंद्रमा का रूप ले लिया। इस प्रक्रिया को होने में, इस प्रोसेस को होने में कितना समय लग गया? 1000 ईयर से लेके कई सेवरल ईयर्स, मिलियंस ईयर्स कंसिडर करते हैं हमारे साइंटिस्ट। मेरी बात समझ में आ गया इतना तो? ओके, कल मेरा एक क्योंकि इसके आगे प्लान्स पहला को समझाना जरूरी है। अब चंद्रमा पर कई, मतलब हमने उनको जानने के लिए कई सैटेलाइट हमने लॉन्च किए, जिसमें सबसे पहला सैटेलाइट था 1959 में। कब लॉन्च किया था हमने? 1959 में। क्या नाम था उसका? वेरी गुड, लूना वन। लूना लॉन्च किया था सबसे पहले, लेकिन ये इतनी ज्यादा जानकारी, इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं कर पाया। किसके बारे में? चंद्रमा के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी हमें नहीं देख पाया, लूना वन। फिर हमने ठीक 10 साल बाद, ठीक 10 ईयर बाद, कब? 16 जुलाई, डेट भी रखनी है याद, 1969, 16 जुलाई 1969 को कौन सा हमारा गया था? अपोलो 2। हमारा अपोलो 2 लॉन्च किया गया। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? ये कहां से लॉन्च किया गया था? फ्लोरिडा। और फ्लोरिडा कहां पर है? यूएसए में। फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। अब हम भाई अपनी ग्रेविटी से दूर जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगता है, आने में टाइम कम लगता है, इक्वली टाइम बैलेंस नहीं करते। तो हमें लग गए 4 दिन, मैं बिल्कुल 4 दिन लगे अपोलो 2 को 4 डे में वहां पहुंचा, यानी 20 जुलाई 1969 को ये मून पर पहुंच गया हमारा अपोलो 2, 20 जुलाई 1969 को कहां पहुंच गया? मून पे पहुंच गया। उसमें कितने मेंबर गए थे? 3 मेंबर गए थे चंद्रमा पर, उस यान में अपोलो 2 में 3 मेंबर गए थे। ओके, 3 मेंबर्स गए थे। हम सब पहले मेंबर का नाम जानते हैं जिसने पहला कदम गलती से रख दिया, कोई सिस्टमेटिक नहीं था। नील स्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग जानते हैं हम कि उसने पहला कदम रखा, दुनिया जानती है। लेकिन उसके संग एक और मेंबर था जो वहां पर उतरा था, उसका पैर सिर्फ 1 सेकंड बाद ही रखा गया था दोनों, क्योंकि 3 मेंबर थे, एक को यान पे रहना जरूरी था क्योंकि यान डिसलोकेशन भी हो सकता, डिसलोकेट भी हो सकता था, वहां से मूव भी हो सकता था, इसलिए एक को उस यान पर रहना जरूरी था। तो 2 लोग उतरे थे, तो एक तो हमारा नील आर्मस्ट्रांग को तो हम अच्छे से जानते, या सुनो हर कोई जानता, दूसरा कौन था? एडविन एंड्रिल, एडविन एंड्रिल दूसरा, और तीसरा जो बैठा हुआ था माइकल। ये मैं कल पढ़ा चुका हूं, इसका रिवीजन चल रहा है मेरा, है ना? ओके, कौन सा था? माइकल। तो हमारे एडविन हो गया, एडविन माइकल, ये 3 आदमी थे जो गए थे। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? ओके, तो इन्होंने वहां पे काफी देखा। फिर उसके बाद 21 जुलाई को ये वापस हो गए अपने संग चंद्रमा की 47 पौंड मिट्टी, जो वहां की सतह है या सरफेस है, उसका लगभग 47 पौंड मिट्टी लेकर वो वापस आए। और उन्होंने कहां पे लैंड की? जो भी मैक्सिमम लैंड करता ऊपर से प्रशांत महासागर दिखाई देता, सबसे बड़ा सागर, तो प्रशांत महासागर उन्होंने लैंड किया और 24 जुलाई को ये वापस लौट के पृथ्वी पर आ गए थे। इससे काफी ज्यादा हेल्प हमें मिली थी। समझ में आ रहा है मेरी बात? ओके, तो ये हमारी कल की कहानी थी जो हमने कल डिस्कस कर ली थी। अब हम आज की कहानी की बात करेंगे, रिकॉल करना जरूरी था इस चीज को। ओके, जिन्होंने नहीं किया नोट कर लें, जो कल नहीं थे, अगर एक पॉइंट नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, जल्दी सॉल्व करो 2 मिनट के अंदर, जल्दी से नोट कर सकते हैं जो कल नहीं थे, जो कल नहीं थे। अब कॉन्सेप्चुअल बात आ रही है, फैक्चुअल नहीं है। ये हमारा कल की क्लास थी, कुछ स्टूडेंट्स नहीं थे इसलिए मैंने उसे रिकॉल करवाया है।
आज लास्ट डे हमारे मून का, 2 दिन हमें लगे मून्स को पढ़ने में, समझने में, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, सिचकी, लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, है ना। अब हमारा टॉपिक आता है, हम बात करें थोड़े साफ कपड़े से पहुंचा। क्लास रुकने का कारण है आपका इंटरनेट प्रॉब्लम, ये ध्यान रखिएगा, आप इंटरनेट में नहीं है, बस ठीक है। अब हमारा बात आती है, टॉपिक है उभय गुरुत्व केंद्र। प्लीज अब ध्यान से समझना, कॉमन ग्रेविटी सेंटर। जब उभय गुरुत्व केंद्र की बात आती है तो एक टॉपिक आया था, बिहार बीएससी क्वेश्चन है, उभय गुरुत्व केंद्र से आप क्या समझते हैं, इस पे लेख लिखें, टिप्पणी करें, है ना, और ये किस प्रकार प्रभावी है ज्वार भाटाओं के आने में, मतलब जो टाइट्स आती है हमारी। तो उभय गुरुत्व केंद्र, एनीवन वांट टू गिव एनी आंसर, कॉमन ग्रेविटी सेंटर होता क्या है? ओके, मैं आपको इसके लिए वीडियो भी शो करूंगा। अब पहले हम ये समझते हैं, आज हमारा मून खत्म हो जाएगा, ठीक है, आज थोड़ी बड़ी क्लास रखी है हमने। मैं फिर से एक अर्थ बनाता हूं, अर्थ एंड मून। ओके, हम जैसा कि जानते हैं जो हमारा मून है, जो ग्रेविटी है या अर्थ है, तो मून हमारा अर्थ के चक्कर लगा रहा है 29.5 दिनों में। कल मैंने बताया था एक मास, चंद्र मास जिसे हम कहते हैं 1 मंथ, मून का जो होता है वो 29.5 दिनों का, एक नॉर्मली 29.5 दिनों का होता है, 29 days 12 hours 45 मिनट के आसपास का हमारा एक दिन होता है, यानी 29.5 दिन अगर हम एक नॉर्मल बात करें तो। इसका एक मंथ होता है जो लूनर मंथ जिसे हम कंसिडर करते हैं, लूनर मंथ अगर हम कर सकते हैं तो वो 29.5 डेज के बराबर होता है। समझ में आ रहा है, 29.5 दिन आप कंसिडर कर सकते हैं इसको। ओके, अब आता है उभय गुरुत्व केंद्र। अब ये जो चंद्रमा है, आपने देखा होगा ये अर्थ है, चंद्रमा उसका ऐसे अर्थ भी घूम रही है और चंद्रमा भी उसका चक्कर लगा रहा है ना, और ये दोनों सन के चक्कर लगा रहे हैं, वही चक्कर लगा रहा है, ये सन का भी चक्कर लगा रहा है, ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, यस और नो? तो ये मून जो है जो कि अर्थ से जुड़ा हुआ है, तो अर्थ से जो फोर्स इसको जोड़ के रखता है वो कहलाता है उभय गुरुत्व केंद्र। समझ में आया नहीं आया? जो चंद्रमा को अर्थ से जोड़कर रखता है वो क्या कहलाता है? कॉमन ग्रेविटी सेंटर। ये दोनों की दोनों उभय गुरुत्व केंद्र के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्लियर हुआ? अब बात ये आती है कि ये उभय गुरुत्व केंद्र, बेसिकली ये जो उभय जो गुरुत्व केंद्र है, ये बेसिकली पृथ्वी पर, ऑब्वियसली बात है कि ये पृथ्वी इसको अट्रैक्ट करे हुए है, ना कि ये पृथ्वी को अट्रैक्ट किए हुए। एक आराम समझो, कॉन्सेप्चुअल है, इसे समझा रहा हूं। अर्थ मून को अट्रैक्ट किए हुए है, ना कि मून अर्थ को अट्रैक्ट किया। अगर मून अट्रैक्ट करता तो पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही होती, ये चक्कर लगा रहा है। तो ये जब इसका चक्कर लगा रहा है मून कर रहा है, तो बात आती है ये कॉमन ग्रेविटी सेंटर अर्थ में है कहां पर, कहां है? हम जनरली बात करते हैं, जैसे हम बैठते हैं तो हम कहते हैं कि हम जो जुड़े हुए हैं एक दूसरे प्रति, चुपके हुए हैं केंद्र में, सेंटर में, लगभग 6,500 किलोमीटर नीचे, लगभग 6,500 किलोमीटर नीचे कोर, निफे जैसे कहते हैं, NIFE, निफे मतलब निकिल, एफी मतलब फेरम, यानी निकिल और फेरम इतना ज्यादा कंप्रेस है। लेट ऑन वी विल डिस्कस, जब हम मतलब भौतिक पढ़ेंगे देन हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जब वो नीचे कंप्रेस है 5% लोहा निकल, तो उससे जो मैग्नेट निकल रही है, चुंबक की जो ग्रेविटी है, उससे हम लोग चुपके हुए हैं अर्थ में, नहीं तो उड़ रहे होते, फ्लाई कर रहे होते, आया ना? तो क्या वही, ध्यान से सुनना मेरा कॉन्सेप्ट, क्या वही जो केंद्र है, केंद्र मतलब निफे, निफे मतलब कोर,
कोर कह लो निफे कह लो, बात एक ही है निफे। तो क्या यही निफे चंद्रमा को खींचे हुए है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी बात ध्यान सुनो, मैं तुमसे क्वेश्चन करने वाला हूं, पूछना चाहता हूं, क्या ये निफे जिससे हम चुपके हुए हैं, क्या ये निफे चंद्रमा को भी घुमा रहा है? हाउ कैन इट पॉसिबल? हमारे वायुमंडल के ऊपर तो ग्रेविटी खत्म हो जाती है। आया ना, वायुमंडल अगर हम देखते हैं तो 16,000 किलोमीटर तक तो पाया जाता, उसके बाद खत्म होता चला जाता है। सिर्फ 16,000 किलोमीटर, मानते हो नहीं मानते, वायुमंडल कितना, 16,000 किलोमीटर जो गैसेस हैं ऊपर एक्सोस्फीयर के ऊपर। ज्यादा से ज्यादा साइंटिस्ट मानते हैं 30,000 किलोमीटर पे भी गैसेस मिल जाती हैं, जो हमारे गुरुत्वाकर्षण यानी जो केंद्र में, जो सेंटर में लोकेटेड है, उसके कारण भी यहाँ जो गैसेस हैं वो मिल जाती हैं कि हाँ ठीक है खींचे हुए। और चंद्रमा का डिस्टेंस कितना बताया मैंने, रिकॉल कराया अभी, 3 लाख यानी 4 लाख के आसपास, 4.25 लाख किलोमीटर। तो 4.25 लाख किलोमीटर जब हमारा ये सेंटर वायुमंडल को नहीं रोक पा रहा 34,000-30,000 किलोमीटर के ऊपर, तो क्या आपको लगता है कि चंद्रमा जैसा पिंड जो इतना भारी चक्कर लगा रहा है वो केंद्र इसको रोक सकता है? हाउ कैन इट पॉसिबल? भाई एक कॉमन सी बात है कि कैसे रोक सकता है जब हमारा ये केंद्र जो सेंटर है वो वायुमंडल को नहीं रोक पा रहा मैक्स टू मैक्स 30,000 किलोमीटर तक ही हमारा, 30,000 के मतलब 30,000 किलोमीटर तक तो विरल हो जाता है जब हमारा वायुमंडल। हेलो गुड मॉर्निंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्लीज कॉन्सेप्ट समझो फिर अपन डाउट क्लियर बात करेंगे आपसे। तो बात आती है कि 30,000 पे खत्म हो गया, तो चंद्रमा जैसा पिंड जो 30,000 तो कोई लगा ही नहीं, 4.25 लाख किलोमीटर के दूर है, कोई बहुत विशाल वायुमंडल से तो भारी भारी है ऑब्वियसली बात है, तो उसे कैसे खींच पाएगा? तो फिर ये ऐसी कौन सी चीज है जो मून को अर्थ से जोड़ के रखे हुए है? वो है कॉमन ग्रेविटी सेंटर, उभय गुरुत्व केंद्र। अब ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को भी कि ये जो कॉमन गुरुत्व केंद्र है ये यहां पे तो नहीं हो सकता, ये तो समझ में आया नहीं आया, क्योंकि वहां होगा तो उसका इतना क्षीण हो जाएगा कि मतलब ही नहीं, हो ही नहीं सकता। फिर कहां से चंद्रमा पकड़ में आएगा? चंद्रमा तो निकल जाएगा घूमते घूमते, हर पिंड घूम रहा है। जो एस्ट्रॉइड्स आते हैं, मेट्रॉइड्स हमारे आते हैं, कॉमेट्स आते हैं, वो अपनी किसी की अलग गुरुत्वाकर्षण प्रकृति लगाते हैं, तो ये घूम रहा है। तो ये ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट हमारे दिमाग में आ गया जो अभी तक आपको लगता था कि पृथ्वी का सेंटर ही सबको खींच के रखा है, वो हाइपोथेसिस खत्म हुई है आपकी संकल्पना कि भाई ये तो नहीं खींच सकता। तो वो कहां पर है? वो हमारा, ये क्वेश्चन आया हुआ है इससे मैं डिस्कस कर रहा हूं, वो हमारा मेंटल में स्थित है। कहां पर है? मध्य में। मध्य पहले क्रस्ट होता है भूपलटी, फिर मेंटल होता है, मध्य होता है, फिर होता है कोर। समझ में आया नहीं आया? तो वो हमारा कहां पर स्थित है? मेंटल में स्थित है। तो ये हमारा जो सी जी सी ये हमारा बेसिकली यहां पर मेंटल में स्थित है, मेंटल में स्थित है, यानी केंद्र से लगभग, यहां से केंद्र अगर मैं बात करूं तो केंद्र से लगभग 4,617 किलोमीटर दूर। दूर मतलब ऊपर, मेंटल भाई ये रहा भूपलटी क्रस्ट, ये रहा मेंटल, ये रहा कोर, ये रहा, यानी केंद्र से 4,617 किलोमीटर ऊपर। अब भाई 4,617 किलोमीटर अगर मैं ऊपर कंसीडर करूंगा तो यानी ऊपर से अगर मैं नीचे आता हूं, यहां पर आता हूं, 4,617 ऊपर हो गया, तो मैं यहां से अगर क्रस्ट से नीचे की तरफ आता हूं तो ऑब्वियसली बात है 1754 किलोमीटर नीचे ये केंद्र स्थित है। कितना हुआ ऊपर से? 1754 किलोमीटर ऊपर से, ऊपर से, ठीक है, 1754 किलोमीटर नीचे और 4,617 किलोमीटर ऊपर।
ये यहां पर स्थित, यानी ये आ गया अपना मेंटल। समझ में आया नहीं आया? अब यही रेखा है, यही रेखा है जिससे चंद्रमा खींचा हुआ है, जो मतलब चंद्रमा को खींचे हुए है। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? इसी को कहते हैं कॉमन ग्रेविटी सेंटर, जो कि क्वेश्चन आया था कहां पर होता है कॉमन ग्रेविटी सेंटर, केंद्र मेंटल कोर, वो हमारा मेंटल में होता है। तो ये हमारा, ये खींचे हुए, इसको खींचे हुए, ये चंद्रमा घूम रहा। अभी समझ में आया मेरी बात कि वो कहां पर स्थित है? ओके, अब बात करते हैं, ठीक है, ये हमारा इतनी दूरी पर है और मून इससे अट्रैक्शन है और मून इसी के रोटेशन करता है। ये चंद्रमा और ये लेयर जो पूरी है इसी से चंद्रमा खींचा हुआ है, ठीक है। अब बात आती है समान, यानी आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स सुना होगा, अभिकेंद्र, अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? केंद्र सॉरी, ओके। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्री पूरी पृथ्वी पर, यानी अभिकेंद्रीय बल और अपसारी बल, मैं कह लूं अभिसारी बल कह लूं, अगर मैं, समझ में आ रहा है, ये समस्त पृथ्वी पर यानी पूरी पृथ्वी पर एक समान होता है, अलग अलग नहीं होता। मेरी बात क्लियर हो रही है? पूरी पृथ्वी पर अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल होता है ना, अभिसारी और अपसारी इक्वल होता है, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल फोर्स। इंग्लिश मीडियम में आपको फिर भी रिपीट करता जा रहा हूं, अब मैं दो दो बार लिख नहीं सकता, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। पूरी पृथ्वी पर समान होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी पर, ये कौन सा समझा, हम जानते हैं चंद्रमा पृथ्वी के पास है सूरज के कंपैरिजन। सूरज पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर फार अवे फ्रॉम अर्थ, यस और नो, हमने पढ़ा हुआ है। और चंद्रमा पास हुआ भाई, पौने 4 लाख किलोमीटर के आसपास हमारा चंद्रमा है। तो जो पृथ्वी पर जो टाइड्स, जो भी टाइड्स हमारे, टाइड मतलब ज्वार भाटे, समुद्र में लहरों का उठना और नीचे गिरना ज्वार और भाटा कहलाता है। ऊपर उठना और नीचे गिरना, ऊपर उठना और नीचे गिरना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो चंद्रमा इसका सबसे बड़ा रीजन कहलाता है टाइड्स के आने का, क्योंकि इसकी जो ग्रेविटी है, जो इसका गुरुत्वाकर्षण है, वो ये टाइड्स को उत्पन्न करने का सबसे प्रमुख है। वैसे बहुत सारे कारण है, हवाओं का चलना भी लहरों का निर्माण होता है भाई। रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है 1453 किलोमीटर की गति से एक घंटे में, बताया है मैंने पहले भी आपको। तो भाई इतनी तेज अगर कोई गति से घूमेगी, उस पे जो सामान होगा पानी के रूप में वो भी घूमेगा, ऑब्वियसली बात है। तो रोटेशन ऑफ द अर्थ 1453 किलोमीटर पर आवर की गति से घूमना, दूसरा हवाओं का चलना, फिक्शन होना, फिक्शन होता ही हवा से घर्षण होता है, तो लहरों का, और सबसे महत्वपूर्ण मून की ग्रेविटी। तो पृथ्वी पर जो लहरें समुद्र में उत्पन्न होती है, हम कहते हैं झीलों में क्यों नहीं उठते ज्वार भाटे, झीलों में भी उत्पन्न होते हैं, ध्यान रखना, ओके, झीलों पे भी उत्पन्न होते हैं ये हमारे ज्वार भाटे, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि स्पेस कम होता है समुद्र का, स्पेस हमें क्षेत्रफल ज्यादा मिल जाता है तो हमें वो दिखाई देते हैं, विजिबल होते हैं हमारे ज्वार भाटे टाइड्स। तो मून के कारण पृथ्वी पर टाइड्स उत्पन्न होते हैं ज्वार और भाटे, समझ में आया? अब आप ये देखो कि मून यहां पर है, ठीक है, जिस तरफ मून होगा, सीधी सी बात है, जिस तरफ मून होगा उसी तरफ ज्यादा से ज्यादा ज्वार और भाटों की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी खींचेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब जैसे यहां पर हमारा मून की स्थिति, ये हमारी मून की स्थिति है, तो हमारे जो टाइड्स है, मैं इसके इस तरह बात करता हूं, ये हमारा मून है, चलो ये हमारा मून है, ठीक है। तो जो हमारे टाइड्स है वो यहां पर ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं, ऊपर उठते हैं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और यहां पे साइड में पानी ऐसे आता है, मैं इसे बताना चाह रहा हूं आपको, एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, देखो ये पानी ऐसे आता है, ठीक है। तो पानी का इधर की तरफ भरना, इधर भी भरता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी भरता है, यहां भी भरता है, यहां भी भरता है। जो मून का ग्रेविटी है वो टाइड्स, ये नहीं कि पीछे का पानी इधर आ जाएगा, पानी का फ्लो इस प्रकार रहता है। तो टाइड हमारा यहां पर आया तो यहां बढ़ा, और यहां गया तो यहां भी बढ़ा, पीछे भी अपोजिट में भी उसका इफेक्ट दिखाई देता है। अब मेरा क्वेश्चन यही है कि ऐसा क्यों होता है? गुड मॉर्निंग बेटा, ऐसा क्यों होता है? देखिए मेरी बात समझे,
हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है हमारी, ठीक है, उस पर मैंने आपको बोला कि अभिसारी बल और अपसारी बल, अभिसारी अपकेंद्रीय बल जानते हैं ना, अभिकेंद्रीय बल भाई बॉल को पत्थर से मार के बहुत तो बाहर फेंकना चाहती, अंदर की तरफ भी खींचा जाता है और बाहर की तरफ, इसी कहते हैं अभिसारी और अपसारी। तो अभिकेंद्रीय बल पूरी पृथ्वी पर समान है हमारा, बिल्कुल इक्वली हमारा पूरी पृथ्वी पर हमारा समान दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब जब चंद्रमा यहां पर है तो बेसिकली जो विमुख होता है पृथ्वी के इधर आता है, तो जो मैंने आपको मेंटल की ग्रेविटी बताई यानी उभय गुरुत्व केंद्र, उसका प्रभाव यहां पर ज्यादा होता है। जब चंद्रमा जिस दिशा में ज्यादा होता है, कॉमन ग्रेविटी सेंटर का फल यहां पर ज्यादा होता है। इसके कारण उसकी अपोजिट दिशा में, उसके अपोजिट जो दिशा होती है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, देखो मेंटल में हमारे उभय गुरुत्वीय केंद्र था जो चंद्रमा को अपने से बांधे हुए थे। जब चंद्रमा का मूवमेंट इधर आया तो हमारी टाइट्स कुछ ना छुड़ी हुई और हमारा जो उभय गुरुत्वीय केंद्र है वो बेसिकली यहाँ पे ज्यादा प्रभावशील हो जाता है, इस तरफ ज्यादा प्रभावशील हो गया, समझ में आया। अब दूसरी तरफ भी हमारी वेव्स उधर भी टाइट्स उठ रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अभिकेंद्रीय बल है वो यहां पर कम हो गया। क्या हो गया? सेंट्री पेटल फोर्स हमारे अपोजिट में कम हो गया, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हमारा है अपसारी बल है वो यहां पर क्या हुआ? ज्यादा नहीं हुआ, उतना ही रहा, वो कम नहीं हुआ। तो इस कारण क्या हुआ? देखो टाइट का एक क्वेश्चन यूपीएससी क्वेश्चन है, टाइट का यानी ज्वार भाटों का दोनों तरफ फैलने का रीजन होता है कि इस तरफ हमारा अभिसारी बल कम हो जाता है, क्योंकि मेटल का जो है उभय केंद्र बल उसका विमुखी हो जाता है चंद्रमा के, तो इस तरफ ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहां क्या हो गया? हमारा अभिकेंद्रीय बल कम हो गया, लेकिन जो अपकेंद्रीय बल था वो उतना ही रहा हमारा, क्या सेंट्रीपेटल फोर्स हमारा उतना ही रहा। तो ये जब ये डिस्टरबेंस पैदा होता है कम हो ज्यादा में, तो यहां पे भी टाइट खिंचना शुरू हो, टाइट खिंचेगी भाई, फोर्स तो अगर फिक ही रहा है ना उधर, तो वो तो फिक ही नहीं, तो टाइट्स इधर भी जाना। तो आपको एक लाइन लिखनी है, देखो आप ये चीजें पहली बार समझते हो, पढ़ रहे हो तो आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन हम तीन बार अगर पढ़ाएंगे तो बहुत इजी हो जाता है, उसमें रटना होता ही नहीं है, समझ में आ गया। मून इधर है, ज्वार भाटा मून की दिशा में भी उठते हैं और उसके अपोजिट दिशा में भी उठते हैं, वहां भी उठेगा, और ये नहीं कि वहां का पानी इधर आ गया, ऐसा नहीं होता, वहां भी उठेंगी वेव्स और यहां भी उठेंगी वेव्स। कारण है कि हमारी समस्त पृथ्वी पर यानी पूरी पृथ्वी पर अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल एक समान होता है, लेकिन जब मून की दिशा इधर होती है, विमुख होता है, तो ये हमारा कॉमन ग्रेविटी सेंटर का प्रभाव उसी दिशा में ज्यादा बढ़ जाता है, और ज्यादा बढ़ने के कारण जो अपकेंद्रीय बल होता है वो तो स्थिर रहता है, लेकिन अभिकेंद्रीय बल क्या होता है वहां पे कम हो जाता है, उसी बात है कम हो जाएगा, तो कम होने के कारण वो तो अपनी तरफ खींचेगा ही खींचेगा और ये भी पानी खींचेगा, बस इतना सा लॉजिक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, ये अब आता है उभय गुरुत्व केंद्र। आप बता सकते हो उभय गुरुत्व केंद्र के बारे में, यस और नो? ओके, थोड़ा लिख लीजिए, नोट करिए फटाफट, ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज नोट कर लो, नहीं तो ये उभय केंद्रीय बन एक सिर्फ इतिहास बन के रह जाएगा आपके लिए कि कुछ पढ़ा था, और क्या पढ़ा था ये भूल गए। ध्यान रखो मैं सिर्फ वही लिखवा रहा हूं जो मैंने आपको समझाया है, उसके अलावा एक शब्द भी मैं अलग नहीं लिखवा रहा, तो इसको नोट कर लीजिए जो मैं डिक्टेट कर रहा हूं, प्लीज हेडिंग डालिए उभय गुरुत्व केंद्र कॉमन ग्रेविटी सेंटर, हेडिंग डालिएगा। ओके, चंद्रमा एवं पृथ्वी, मैं हिंदी में बोलूंगा, इंग्लिश में मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जो देख रहे हैं, मैं इंग्लिश में, ये बायलैंग्वेज क्लास है, इंग्लिश में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, जब लेक्चर पूरा खत्म होता है, टॉपिक खत्म होता है, ये मेरा ब्रह्मांड खत्म होगा तब ब्रह्मांड की सेपरेट पीडीएफ आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी आपके व्हाट्सएप और ईमेल पर। अभी मैं हिंदी में बोल रहा हूं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट सिर्फ एक एक पॉइंट लिखेंगे बस जो उनको समझ में आना है, ठीक है ना, हिंदी मीडियम पूरा लिखेंगे। चंद्रमा एवं पृथ्वी दोनों एक उभय गुरुत्व केंद्र के आसपास घूमते हैं, चंद्रमा एवं पृथ्वी दोनों, थोड़ा स्पीड से लिखना सभी स्टूडेंट जो नए भी हैं,
वहां पे 4,500 शब्द लिखने होते 3 घंटे के अंदर। चंद्रमा एवं पृथ्वी दोनों एक उभय गुरुत्व केंद्र यानी कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी के चारों तरफ घूमते हैं, चतुर्दिक कहते हैं इसे, चतुर्दिक हिंदी में कहते हैं चतुर्दिक। चतुर्दिक मतलब चारों तरफ से चतुर्दिक घूमते हैं, ठीक है। यह उभय गुरुत्व केंद्र पृथ्वी के केंद्र से, यह उभय गुरुत्व, यह उभय गुरुत्व केंद्र पृथ्वी के केंद्र से कितना दूर बताया था मैंने? 4,617, 4,617 किलोमीटर दूर है पृथ्वी के केंद्र से, 4,617 किलोमीटर दूर होता है। समझ में आया? अर्थात पृथ्वी के नीचे मेंटल में, पृथ्वी के नीचे मेंटल में धरातल से कितनी दूरी होगी सरफेस से ऊपर से मेंटल की? 1754, अराउंड 1754, वेरी गुड, 1754। मतलब पृथ्वी के निचले मेंटल में पृथ्वी के धरातल से 1754 किलोमीटर नीचे घूमता रहता है। 1754, 1754 मैंने ये लिखवाया भी था, 1754 किलोमीटर नीचे घूमता रहता, समझ आ रहा है? ओके, घूमता रहता है। ओके ओके, इसी के कारण पृथ्वी पर चंद्रमा के विपरीत स्थित, इसी के कारण ऐसे लिखो, इसी के कारण चंद्रमा भी परिक्रमण करता है, रेवोल्यूशन, परिक्रमण मतलब रेवोल्यूशन, पृथ्वी के चारों ओर घूमना। इसी के कारण चंद्रमा पृथ्वी का, इसी कारण पृथ्वी का चंद्रमा क्या करता है? रेवोल्यूशन, घूमता है, परिक्रमण से घूमता है। रेवोल्यूशन मतलब होता है उसका चक्कर लगाना, रोटेशन का मतलब होता है अक्षीय गति और रोटेशन, और रेवोल्यूशन मतलब होता है कक्षीय गति। तीन दो होती गतियां, अक्षीय गति और कक्षीय गति। तो रेवोल्यूशन यानी परिक्रमण, और परिभ्रमण मतलब खुद, और परिक्रमण मतलब पृथ्वी का चक्कर लगाना। तो इसी के कारण उभय गुरुत्व केंद्र के कारण ही चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण करता है, रेवोल्यूशन करता है। और साथ ही पृथ्वी पर चंद्रमा के विपरीत स्थित बिंदु पर भी ज्वार आता है। इसी के कारण पृथ्वी पर चंद्रमा के विपरीत, इसी कारण पृथ्वी पर चंद्रमा के विपरीत स्थित बिंदु पर भी क्या आता है? ज्वार आता है। अपोजिट में आता ही नहीं, आता अपोजिट में। इसी कारण चंद्रमा के विपरीत स्थित बिंदु पर भी ज्वार आता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ओके, पृथ्वी के सतह पर प्रत्येक स्थान पर, पृथ्वी के सतह पर प्रत्येक स्थान पर केंद्राभिसारी सेंट्रीपेंटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं या अलग अलग होते हैं? बराबर होते हैं। इसी कारण ये ध्यान रखना, इसी कारण नहीं, पृथ्वी के सतह पर प्रत्येक स्थान पर, पूरी पृथ्वी पर, समस्त पृथ्वी पर जो केंद्र पसारी बल होता है, केंद्र पसारी मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, CENTRIFUGAL, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स बराबर होता है, इक्वल होता है। समझ में आता है? लेकिन पृथ्वी के चंद्रमा विमुख भाग पर,
लेकिन पृथ्वी के चंद्रमा विमुख भाग पर, ठीक है, बाल अब बाल पर केंद्र पसारी बल, क्योंकि ये तो कम हो जाता है ना, चंद्रमा विमुख मतलब उल्टा, उसकी उल्टी दिशा में क्या कम हो जाता है, केंद्र पसारी बल कम हो जाता है ना, तो यहां पे ज्वार किसके कारण आएंगे, केंद्र पसारी के कारण ज्वार उत्पन्न होते हैं। तो दो कारण लिखेंगे, चंद्रमा विमुख अपोजिशन में जो टाइड्स आते हैं, वो टाइड्स आते हैं, साधारण भाषा में लिखना है, वो टाइड्स आते हैं केंद्र पसारी बल एवं उभय गुरुत्व केंद्र के कारण। बस दो लाइन है, अपोजिशन में किस तरह टाइड्स आते हैं, केंद्र पसारी, भाई ये तो कम हो जाएगा, ये कम नहीं होता, ये कितना रहता है, उतना ही रहता है, समान रहता है, लेकिन ये कम हुआ ना तो डिसबैलेंस हुआ, नहीं हुआ तो फोर्स यहां पे लगा, तो अब केंद्र विमुख चंद्रमा जो विमुख हो जाता है क्षेत्र, उस पे भी जो ज्वार आते हैं उसका कारण होता है, सिंपल भाषा में उसका कारण होता है केंद्र पसारी बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड कॉमन ग्रेविटी सेंटर, उभय गुरुत्व केंद्र। बस खत्म हो गया, एक लाइन में और लिख सकते हो, ये लाइन लिख सकते हो, कम होना ज्यादा लिख, बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है तो यस लिख दिया करो बेटा, यस लिख दो अगर समझ में आ रहा है, एक लाइन लिख लो, उभय गुरुत्व केंद्र के विपरीत दिशा में हट जाने के कारण, उभय गुरुत्व केंद्र के विपरीत दिशा में हट जाने के कारण, वो हट जाता है ना, इधर से जहां मून होगा उस तरफ आ जाएगा, विपरीत दिशा में हट जाने के कारण पृथ्वी के किस बल में कम आती है, दीपिका किस बल में कम आती है, वेरी गुड, विपरीत हट जाने के कारण पृथ्वी के केंद्राभिसारी बल में कमी, हट जाने के कारण पृथ्वी के केंद्राभिसारी बल में कमी और केंद्र पसारी बल का उतना ही रहना है, केंद्र पसारी बल उतना ही रहता है और उसमें कमी आ जाती है, समझ में आ गया, चलो ये अच्छी बात है, मिटाओ जल्दी सर, कोई डाउट हो इसमें, डाउट तो नहीं है कोई भी अभी, ओके अब हम पढ़ेंगे, फटाफट मिटाओ, पूरा मिटाओ, जल्दी मिटाओ, वो तो 29:30 की चंद्रमा था ना कल बताया था, वो तो खुद घूमता है पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, साथ अभी तो एक महीना कंप्लीट करेगा, खुद घूम रहा है अपने दिशांतर, साइड मंथ कहते हैं ना अपने, घूम के अपने भी आ जाना, अक्षीय 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 मतलब लंबा होता है 27 दिन 7 घंटे याद करो 43 मिनट 15 सेकंड ओके। अब आता है चंद्रमा की कलाएं, चंद्रमा की कलाएं, फेजेस ऑफ द मून, फेजेस ऑफ द मून, ये क्वेश्चन तो हमारे एमपीपीएससी में कई बार आया हुआ है कि चंद्रमा की कलाओं, कलाएं क्या होती हैं, लूनर एक्लिप्स क्या होता है, सिजगी क्या होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में क्या होता है, अमावस्या कब आती है, पूर्णिमा पूर्णिमा कब आती है, क्या क्या हमने किया, तो ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बार रिपीट होता रहता है। तो देखो ये चंद्रमा की कलाएं क्या होती है, इसके लिए मुझे पहले अर्थ आप ही ड्रॉ करके रखा करो, ऐसे अर्थ मून मून सन, देखो मैं फिर बताना चाहूंगा, कुछ ऐसे बच्चे भी होते दो चंद्रमा मान लेंगे,
ये दो चंद्रमा नहीं है, हमारा एक ही चंद्रमा है, लेकिन उसकी स्थिति मैंने बताई है आपको। और सूर्य इतना छोटा नहीं कि बोर्ड के बराबर में सूर्य को ड्रॉ नहीं कर सकता। मैंने बताया ना, सूर्य हमारा 109 गुना ज्यादा व्यास रखने वाला सूर्य है, 13 लाख मतलब 84,000 किलोमीटर का उसका व्यास है, 109 गुना ज्यादा। तो ये बस ड्रॉ कर सकता हूँ समझाने के लिए आपको। तो दो चंद्रमा नहीं मान बैठना, एक ही चंद्रमा है हमारा, चंद्रयान गया ना अभी दो, वेरी गुड, इतना मालूम सबको, ये बहुत अच्छी बात है ना। ओके, तो बात आती है चंद्रमा की कलाएं। अब कलाएं मतलब हम कहते हैं चंद्रमा की कलाएं मतलब स्थिति कैसी कैसी है, तो इसका फेजेस ऑफ द मून का मतलब क्या होता है, सीधी भाषा में बात करूं मैं तो, ठीक है ना। हम जब छोटी क्लास में पढ़ते थे, 9th 10th में ही दिया था आधा चांद, इतना बड़ा चांद, पूरा चांद, गोल चांद, तो हम करते थे। लेकिन हमें अभी भी कुछ स्टूडेंट्स से रहता है आधा चांद हो गया, नहीं, चंद्रमा की कलाओं से मतलब होता है कि चंद्रमा पर जो धरातल है, यानी जो सरफेस ऑफ द मून है, चंद्रमा का जो धरातल है, उस पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और कितनी उसकी परावर्तित स्थिति है, उसे हम कहते हैं चंद्रमा की कलाएं। समझ में आया नहीं है, यानी चंद्रमा की जो स्थिति है उसे हम कहते हैं चंद्रमा की कला, परावर्तित प्रकाश। अगर एक लाइन में लिखना चाहूं, चंद्रमा की कला सा मतलब है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तित, रिफ्लेक्शन ऑफ, परावर्तित प्रकाश। तो ये मेरा क्वेश्चन को सही बता देगा, भाई चंद्रमा तो उतनी रहता है, हमें आधा दिख रहा है, कहीं पूर्ण दिख रहा है, क्या को दिख रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण दिखाई दे रहा है। तो चंद्रमा की कलाओं का मतलब क्या हुआ, जो उसके धरातल पर जो प्रकाश पड़ता है, उसका धरातल की जो स्थिति होती है, बेसिकली प्रकाश से स्थिति दिखाई बदलती दिखाई देती है, धरातल की जो स्थिति बदलती दिखाई देती है, उसी को हम क्या कहते हैं, चंद्रमा की कलाएं कहते हैं, फेजेस ऑफ द मून कहा जाता है। अब चंद्रमा की कला सिर्फ दो ही प्रकार की होती है ना। तो चंद्रमा की जो कलाएं होती हैं वो सिर्फ दो ही पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, एक युति एक वियुति, एक कंपोजिशंस एक अपोजिशंस, मेरे पास समझ में आ रहा है, कंजक्शन, माफ कीजिए, कंपोजिशन कंजक्शंस, और एक होता है हमारा दूसरा वियुति अपोजिशंस। चंद्रमा की कलाएं आराम समझो, मेरे पास पूरा दिन पढ़ा है पढ़ाने के लिए, समझ में आना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन इससे आते हैं। चंद्रमा की कला को समझना है अगर, तो हमें युति समझना जरूरी है, युति, और एक होता है वियुति, इसे कहते हैं कंजक्शन, कंजक्शन CONJUST कंजक्शन, इसे कहते हैं अपोजिशन, वियुति, कंजक्शन और अपोजिशन, समझ में आया, ये दो चीजों ही हमारी चंद्रमा की कलाओं को समझाती हैं, क्लियर हुआ। अब देखो एक लाइन में जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी, मतलब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, ये हो गया युति, कंजक्शन, कंजक्शन मतलब जोड़ना, जुड़ना, समझ में आ रहा है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा, ये हो गया वियुति। पहले समझेंगे, कोई लिखेगा नहीं, पहले समझो, ये हो गया हमारा वियुति, समझ में आया, अपोजिशन, अपोजिशन और कंजक्शन, पास पास। तो युति और वियुति, हम युति और वियुति से ही चंद्रमा की कलाओं को कंसीडर करते हैं। अगर क्वेश्चन अगर आता है एक लाइन में चंद्र कला का आता है, अगर आपके 6 नंबर में ही आता है क्वेश्चन, 1 लाइन में तो बोल ही नहीं सकते, तो अगर आपका उसमें आता है तो आप आराम से ये बोल सकते हैं कि भाई चंद्रमा की जो कलाएं हैं उन्हें हम दो प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं, किस किस प्रकार से करते हैं, युति और वियुति, युति मतलब कंजक्शन समान, और वियुति मतलब अपोजिशन दूर। युति कब बनती है, सूर्य चंद्र अर्थ, और वियुति कब बनती है, सूर्य अर्थ और मून, ये हट जाएगा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये वियुति। अब आप देखो जब युति होती है तो सोलर एक्लिप्स होता है,
भाई सूर्य के सामने चंद्रमा आ गया, हाँ या ना? तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण, हिंदी में कहते हैं सूर्य ग्रहण। तो युति में सूर्य ग्रहण पड़ता है, ये बात याद रखना। ये आता चंद्रमा कला की, जब युति होगी तो क्या होगा बेटा? सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। और जब व्युति होती है यानी अपोजिशन होता है तो चंद्र ग्रहण होता है। मैं आपको इसमें बहुत इजीली समझाना चाह रहा हूं यारी चीजें, चंद्र ग्रहण होता है। तो युति में क्या हुआ? सूर्य ग्रहण। और व्युति में क्या हुआ? चंद्र ग्रहण। क्लियर हुआ? ओके। अब ये तीनों एक ही सीधी लाइन में मौजूद हैं, एक ही सीधी लाइन में मौजूद है। इसके अलावा कोई आकृति नहीं होती, वो तो अलग है। ब्लड मून, ब्लू मून, फुल मून, दे आर डिफरेंट थिंग्स। मैं डिस्कस करूंगा वो लेटर ऑन, पहले हमें ये समझना जरूरी है इसकी। अब तो जब ये एक ही लाइन में सीधी होते, एक रेखीय रेखीय में होते हैं, उसे कहते हैं हम सिजीगी। सिजीगी क्या कहते हैं? एस वाई जेड वाई जी वाई। ये क्वेश्चन आया हुआ है एमपीपीएससी में भी कि सिजगी किसे होते हैं, सिजगी क्या कहलाता है एक लाइन में। तो सिजगी क्या कहलाता है? जब वो एक ही रेखीय में होते हैं, यानी सूर्य चंद्र और अर्थ पृथ्वी, तो उसे हम एक रेखीय में क्या कहते हैं? हम सिजगी के नाम से हम जानते हैं। क्लियर हो रहा है मेरी बात या नहीं हो रहा? ओके। अब हम बात करते हैं पहले युति की। पहले हम इस पोर्शन, उसके बाद हम इस पोर्शन को समझेंगे, ठीक है। अब जब सूर्य ग्रहण होता है तो यहां पर हमारी रात बनती, युति में रात बनती है अमावस्या। कौन सी रात बनती है? सुना अमावस्या की रात है, हॉरर मूवी देखते हैं आज अमावस्या की रात है, हम तो वैसे डर जाते हैं, वही मूवी है दिमाग में घूमती फिराना। आज अमावस्या की रात है, आज काली शक्तियां ज्यादा ताकतवर हो जाती। तो युति में अमावस्या आती है, युति में क्या आती है? अमावस्या आती है। और व्युति में पूर्णमासी आती है, पूर्णमा कहते हैं पूरा चांद, पूर्णमासी आती है। व्युति में हमारी आती है पूर्णमासी। ये क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? हाँ या ना? तो ये तीन चीजें बेटा समझ में आ रहा ना? ये तो फुल मून हो गया, समझ में आ रहा? फुल मून किसे कहते हैं? यहां पे कहते हैं, एक क्वेश्चन आया था उत्तर प्रदेश का पेपर में, सॉल्व करा रहा था अन अकेडमी पे जब पढ़ा रहा था, हार्वेस्ट मून। अब बच्चे कह रहे हार्वेस्ट मून क्या होता है, वैक्सिंग मून क्या होता है? वैक्स मतलब बालों घटाना होता नहीं, वैक्सिंग मून कहते हैं। तो वैक्सिंग मून, हार्वेस्ट मून, हम पूर्णमासी को ही कहते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यानी लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण को कहते हैं हार्वेस्ट मून, वैक्सिंग मून। जब ठीक है, चलो अभी देखो ये समझ में आया, एक एक करके हम समझाते हैं। तो एक लाइन में सीधे है तो सिजगी कहलाएगा, युति में अमावस्या की रात आएगी, रात आएगी, और इस स्थिति में सूर्य ग्रहण होगा, इस स्थिति में व्युति होगा, लूनर एक्लिप्स होगा और पूर्णमासी होगा। खैर शिशिर बिशप भी आएगा जब हम पढ़ेंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे, ऑटोमन क्यूनिक्स कहते हैं वो, लेटर ऑन डिस्कस करेंगे हम। तो ये स्थिति है। अब देखो जब चंद्रमा ऐसे घूम रहा हो, भाई ये तो पृथ्वी के ही घूम रहा है, किस कारण घूम रहा है? अभी बताया था मैंने, कॉमन ग्रेविटी फोर्स सेंटर के कारण घूम रहा है। जब ये कॉमन ग्रेविटी सेंटर के कारण जब ये घूम रहा है तो भाई ये ऐसे भी आएगा और ऐसे भी आएगा। कई क्वेश्चन दिमाग में, साल में कितने चंद्र ग्रहण पड़ सकते हैं, कितने सूर्य ग्रहण पड़ सकते हैं, कब सूर्य ग्रहण पड़ा, पृथ्वी पर कितनी बार सूर्य ग्रहण पड़ा, लेटर ऑन डिस्कस, पहले ये समझो। तो चंद्रमा जब ऐसा आया, पृथ्वी तो घूम रही है, सूर्य के चक्कर लगा रही है, ये ऐसे लगा रहा है, जब कभी स्थिति ऐसी आ जाती है सीधी, मतलब सीधी आ जाती है, तो पूर्व सूर्य ग्रहण हमारा आ जाता है पृथ्वी पर। समझ में आया नहीं है? अब जब चंद्रमा इधर की तरफ शिफ्ट होता है, मतलब व्युति से युति की तरफ, तो क्या होता है? चंद्रमा का आकार छोटा होता है। मैं फेजेस ऑफ मून पढ़ा रहा हूं। जब चंद्रमा, भाई यहां पे तो पूरा मून दिखाई देगा ना, चंद्र ग्रहण फुल मून, तो जब चंद्रमा व्युति से युति की ओर आएगा, व्युति से युति की ओर आएगा, तो क्या होगा? उसका आकार छोटा, तभी तो अमावस्या आएगी, उसका आकार छोटा होता चला जाता है, यानी
मैं इसको अगर इस तरह से पॉइंट आउट करूं, ये माफ कीजिएगा, बेटा डाउट क्लासेस है ना, मैं पूछता तो हूं जब मैं तुम्हें लिखवाने पे आता हूं, पहले समझा रहा हूं मैं पूरा, जब मैं लिखवाता हूं ना तब आप उसके लिखने के बाद भी पहले समझाता हूं, एक बार समझ में आ जाता है दो बार मैं रिपीट कर रहा होता हूं शब्द को, उसके बाद फिर मैं लिखवाता हूं, तीसरी बार रिवीजन हो रहा होता है आपका, चौथी बार मैं फिर पूछता हूं कि आपको डाउट है तो तब आप डाउट पूछे, बीच में क्लास में मैं डाउट अभी ऐसे नहीं बता सकता, है ना बेटा। जब ये मेरा ये टॉपिक खत्म हो जाए, हो सकता है जो डाउट है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाए, हमारी क्लास में ऐसे ही होता है, बच्चे बीच में हाथ खड़ा कर देते हैं, रोकता हूं हाथ नीचे करो, पहले पूरा लेक्चर खत्म होने, टॉपिक खत्म होने दो, उसके बाद फिर उनका हाथ कभी खड़ा नहीं होता क्योंकि उनका डाउट क्लियर हो जाता है, तो तीन बार में हो जाता है, इसलिए अब बच्चे हाथ खड़ा नहीं करते, पहले खड़े रहता था, एक तो बांध के ही आता था, बीच में लोहा लेके आता था, हाथ खड़े रखता था पट्टी बांध के डाउट ही डाउट, अब नहीं होता, पट्टी हट गई, तो पहले खत्म होने दो मेरा लेक्चर। देखो ये जो मून जब हमारा युति की तरफ बढ़ेगा तो इसका आकार क्या होगा, आकार कम होगा, आकार कम होगा, ठीक है। और जब ये हमारा युति से व्युति की तरफ बढ़ेगा, मतलब पूर्णिमा, पूर्णिमा में शायद पूरा चंद्रमा दिखाई देता है गोल, तो इसका आकार बढ़ता है, आकार आकार क्या होता है, बढ़ जाता है, क्लियर हुआ। तो आपको ये रखना है, यहां से जब इधर आया मतलब पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ आएगा यार, तो आकार कम हो जाएगा, तभी तो काली रात हो जाती है, और जब यहां से इधर की तरफ जाता है तो आकार क्या होता है, हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। देखो कल मैंने आपको बताया था इसका जो चलो ठीक, कल ये हमने डिस्कस किया था कि भाई वहां पे कितने दिन में घूम के आता है, साइडिक पीरियड क्या होता है, लूनर मास क्या होता है, चंद्र मास क्या होता है, अच्छा ये समझ आया, ओके। अब पूरी पृथ्वी पर, मैं किसकी बात कर रहा हूं, युति की बात कर रहा हूं, युति पे अभी मैं नहीं आया हूं, युति, तो पूरी पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर अगर हमें, ये क्वेश्चन आए हुए हैं ऑब्जेक्टिव में, पूरी पृथ्वी पर अगर हमें किसी स्थान पर, एक स्थान को चुन लें, किसी स्थान पर पूर्ण सूर्य ग्रहण देखना है, कितना पूर्ण, पूरी तरीके से, यानी पूरा सूर्य ढक गया है, युति में तो सूर्य ग्रहण ही पड़ेगा, तो पूरा सूर्य अगर ढक गया है तो हमें 360 सालों का इंतजार करना पड़ता है, कितना साल करना पड़ रहा था, 360, एक स्थान पर, स्थान के बाद पृथ्वी पर किसी भी अगर एक स्थान पर मुझे पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी पूर्ण युति की व्यवस्था देखनी है, सूर्य ग्रहण देखना है, तो मुझे लगभग 360 साल वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा, समझ में आया। यानी हमारे वैज्ञानिक कहते हैं, हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि एक सदी, सदी जानते हो, वन सेंचुरी 100 साल, यानी जैसे 2001 से शुरू हुई, 2001 से शुरू हुई 2099 3000 तक पूरी चलेगी, तो वो हमारी एक सदी कहलाती है, सेंचुरी, वन सेंचुरी। तो ये युति की अगर मैं बात करूं तो एक सदी में लगभग 238 बार ग्रहण की स्थिति होती है, कितनी स्थिति होती है, 238 बार ग्रहण पड़ता है एक सदी में, मैक्सिमम कितनी बार ग्रहण पड़ेगा, 238 बार एक सेंचुरी में ग्रहण की स्थिति होती, यानी एक सदी में कम से कम, एक सदी में कम से कम 238 बार ग्रहण पड़ रहा होता है, कोई डाउट तो नहीं है अभी इसमें, समझ में आया। और एक स्थान पर, पृथ्वी के एक स्थान पर सूर्य ग्रहण मुझे पूरा पूर्ण, आधा अधूरा नहीं, आधा तो 238 कहीं भी दिख जाएंगे, हाँ या ना, मैं पूरी बात कर रहा हूं, पूरा सूर्य ग्रहण मुझे कितनी बार देखने को मिल सकता है, 360 सालों में एक बार देखने को मिलेगा, चलो ठीक है। और इसकी मेरी स्थिति आती है, पूर्ण सूर्य ग्रहण मुझे मिलता है 360 सालों में, और एक साल में 238 बार सूर्य ग्रहण, मतलब ग्रहण देखने को पड़ता है, ठीक है।
युति की बात कर रहा हूँ। अब बात आती है कि भाई ये जो ग्रहण है, तो लगभग एक वर्ष की बात करूं तो एक वर्ष में आप देखा भाई चंद्रमा की तो स्पीड वही है, पृथ्वी घूम रही वो भी घूम रहा है, उभय गुरुत्व के कारण वो भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, आया ना, तो वही चल रही है। तो एक साल में, मगर मैं एक वर्ष की बात करूं, यानी मैं चंद्रमास कहूं, चंद्रमास समझ में आ रहा है, एक जो कैलेंडर वर्ष है, कैलेंडर वर्ष सुनाई देता, देखो समझो, भौगोलिक जो व्यक्ति होता है, भूगोल से जुड़ा व्यक्ति होता है, वो कई प्रकार की अपनी वर्षों को व्याख्यान कर सकता है। मैं चंद्र वर्ष कह सकता हूँ, सिड्रल ईयर मैं कहता हूँ, नहीं कहता, मैं कैलेंडर वर्ष कह सकता हूँ, मैं न्यू मून वर्ष कह सकता हूँ, मैं ब्लू मून वर्ष कह सकता हूँ, मैं कैलेंडर वर्ष कह सकता हूँ। तुम कैलेंडर जानते हो, देखा है कभी, घरों में टंगे होते हैं, लंबे लंबे डेट होती है। ओके, मैं सबसे पहले लिखे तो पंचांग, कब एकादशी चावल नहीं खाने, मतलब वही कैलेंडर, एग्जैक्टली वही कैलेंडर, कब ग्रहण की स्थिति है, कहीं सूतक लग गए, देखते ही देखते हम लोग, है ना। तो कैलेंडर वर्ष के अनुसार हमारे एक वर्ष में, एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम सात बार ग्रहण की स्थिति बनती है, मतलब सात बार हर वर्ष, कैलेंडर वर्ष में सात बार, यानी 365 दिन में एक साल में कम से कम सात बार ग्रहण की स्थिति बनेगी ही बनेगी, जिसमें से सूर्य ग्रहण ज्यादा आएगा, चंद्र ग्रहण कम आएगा, क्योंकि चंद्र की स्थिति गोल दीर्घ वृत्ताकार होती है, जिसमें सूर्य की तरफ का ज्यादा उसका प्रकाश प्रतिबिंबित होता है। तो जो सूर्य ग्रहण पड़ता है एक वर्ष में, वो 4 से 5 बार पड़ सकता है, कितनी बार पड़ सकता है, 4 से 5 बार सूर्य ग्रहण हो सकता है। अभी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, या सुनो, और जो चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण तो इतना पड़ गया हमारा, पड़ गया 4 से 5 बार, जो चंद्र ग्रहण होता है वो थोड़ा कम पड़ता है, वो 3 से 4 बार पड़ सकता है, कितनी बार पड़ सकता है एक वर्ष में, 3 से 4 बार चंद्र ग्रहण होता है। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है, होगा सात बारी वो कम हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 4 से 5 बार सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा एक कैलेंडर वर्ष के अकॉर्डिंग, और 3 से 4 बार चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा आपको कैलेंडर वर्ष, इसे लूनर वर्ष मत मान लेना प्लीज, लूनर ईयर कंसिडर मत कर लेना, ध्यान रखना कि चंद्रमास की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, कैलेंडर वर्ष में देखने को मिल सकता है। हमारे भारत में जो अभी तक ये पूर्ण ग्रहण, जो सूर्य ग्रहण जो पड़े हैं, बड़े सूर्य ग्रहण की स्थिति जो युति में हमें देखने को मिली है, उसकी अगर मैं हमें जो देखने को मिले हैं वो बेसिकली 16 फरवरी 1980 को देखने को मिला बड़ा, 24 अक्टूबर 1995 को देखने को मिला दूसरा बड़ा जो है, 16 फरवरी 1980, 24 अक्टूबर, 11 अगस्त 1999 को देखने को मिला, इस सदी के 20वीं सदी की बात कर रहा हूं, 20वीं सेंचुरी, 20वीं सदी थी ना भाई, जो 20 से 19 में चलेगी 1999 तक, वो कहां तक काउंट किया जाएगा, 20वीं सेंचुरी, 20th सेंचुरी में जो हमारे भार मतलब पृथ्वी पर जो युति के अंतर्गत जो ग्रहण दिखाई दिए हमें, बड़े ग्रहण, सूर्य ग्रहण बड़े दिखाई दिए हैं, 16 फरवरी 1980, 24 अक्टूबर 1995, 16 अगस्त 1999, अगर मैं 11 अगस्त 1999, अगर मैं, ये तो हमारी कौन सी थी, 20वीं सदी थी, अगर मैं 19वीं सदी की बात करता हूं, तो 19वीं सदी में सबसे बड़ा जो सूर्य ग्रहण हमारा पड़ा था 1898 में पड़ा था, ये डेट है। अब हम जानते हैं, मुझे भी याद है, आप लोगों को ये तारीख शायद याद ना हो, इसमें आप छोटे मोटे खेल लोगे हॉकर में बैठ के, 2009 अगस्त, हाँ जुलाई का दिन था, 2009 सबसे बड़ा ग्रहण पड़ा था हमारे भारत में 21वीं सदी का, ये 21वीं सदी है हमारी, तो 21वीं सदी का 2009 में सबसे बड़ा ग्रहण पड़ा था। तो ये कुछ तारीखें हैं जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे ये मत याद रखना, अगर आप इसे याद कर लेते हो 1980
1995, 1999, और अगर ये आपके एग्जाम में जो पॉइंट होते हैं ना, अपने जो पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट आपके एग्जामिनर के दिमाग में हिट करेंगे, दिमाग में हिट करेगा, ये बच्चे को कितनी डीप नॉलेज है, इसी को मैं कलेक्टर बनाऊं। मतलब यही होना चाहिए प्रशासनिक अधिकारी हमारे यहाँ पे, जो इतनी बारीकी से पढ़ाई करता है ना। तो आपके ये छोटी चीजें आगे निकाल देती हैं। तो 2009, 98, 80, 95, 99, 2009, इतनी तारीख आप याद करके अगर रखते हो तो काफी है, वेल एंड गुड है। नहीं करते हो तो भी ठीक है, एक दो तो याद कर ही लेना। तो ये हमारे, अब बात आती है जो ये युति के अंदर जो ग्रहण की स्थिति पड़ती है, यानी सूर्य ग्रहण जो युति में पड़ता है, ये बेसिकली कितने मिनट का होता है, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा कितने मिनट का हो, पूर्ण ग्रहण कितने मिनट तक होता है। देखा होगा पूरा सूर्य छुप गया, तो मैक्सिमम हम भी सोचते कितने मिनट तक छुपा रहेगा, वो तो चल रही है, पृथ्वी घूम रही है 1453 किलोमीटर प्रति घंटा, 1,00,000 किलोमीटर की स्पीड से, 1,10,000 किलोमीटर की गति से सूरज का चक्कर लगा रही है, 1,10,000 किलोमीटर तो चल रही है, तो कितने देरी का होगा, 7.5 मिनट। कितने का रहेगा, 7.5 मिनट का। जो हमारा सूर्य ग्रहण की जो स्थिति होती है, वो एक बार में पूरा जो सूर्य छुपा रहता है वो 7.5 मिनट तक छुपा रहता है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। दूसरी बात, ये जो सूर्य ग्रहण होता है आंशिक रूप से ज्यादा 4 घंटे तक रह सकता है। मैक्सिमम कितने घंटे तक रह सकता है, 4 घंटे तक रह सकता है। बड़ी दिलचस्प बात है, क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से सूर्य ग्रहण का आंशिक सूर्य ग्रहण या पूर्ण सूर्य ग्रहण, कौन सी स्थिति होती है जो हमें सूर्य का, मैंने आपको पढ़ाया है कोरोना, कोरोना मतलब वायुमंडल, सूर्य का जो वायुमंडल है वो एक ऐसी स्थिति होती जो हमें दिखाई देता है पृथ्वी से, वो होती है पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति। 7.5 मिनट की वो स्थिति होती है जब हमें कोरोना, यानी जो सूर्य का प्रकाश मंडल, मतलब जो वायुमंडल है, क्रोमोस्फीयर पढ़ाया था मैंने, प्रकाश मंडल पढ़ाया था मैंने, कोरोना पढ़ाया था मैंने, तो जो कोरोना होता है वो उसके हमें दर्शन दिखाई दे जाते हैं। सूर्य पूरा छुप छुपा होता है, जो आसपास का एरिया होता है यानी वायुमंडल, उसका कोरोना जो कई मिलियन किलोमीटर तक फैला हुआ है, मैंने बताया था ना जो ग्रेविटी वाला सन है, जो नेचुरल सन है वो छोटा है, वो रेडिएशन वाला बड़ा सूर्य है, तो वो पूरा का पूरा जो कोरोना हमारा साइड का चल रहा है वो हमें पूरा का पूरा विजिबल होता है, इसके चलते पूरा का पूरा हमें विजिबल दिखाई देता है। मेरी बात समझ में आ रही, नहीं आ रही आप लोगों के, तो ये वही स्थिति होती है हमारी। क्लियर हुआ, यस और नो? मैं व्युति पढ़ाने से पहले आपको युति को तो लिखना होगा जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो आपको और याद हो जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है बेटा आपको? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे आप रिप्लाई दे दो, लिख लीजिए, जो समझाया सिर्फ वही लिखेंगे और कुछ भी नहीं। प्लीज नोट करें, फेजेस ऑफ द मून, चंद्रमा की कलाएं, जब जब सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी की, सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी की जो खगोलीकीय स्थिति है, जो उसकी पोजीशन है ना, एस्ट्रोनॉमिकल जो पोजीशन है, खगोलीकीय जो स्थिति में परिवर्तन के कारण, खगोलीय मतलब समझ रहे हो ना, गोल गोल घूमना, गोल गोल घूमना, खगोलीकीय स्थिति में परिवर्तन के कारण सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने वाले, सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करने वाले चंद्रमा के धरातल का क्षेत्रफल बदलता रहता है, सरफेस ऑफ द मून चेंज होता रहता है। सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने वाले चंद्रमा के धरातल का क्षेत्रफल बदलता रहता है, और इसी चंद्रमा के धरातल, अभी मैंने बताया था आप लोगों को अभी कि वो धरातल इस पर रिफ्लेक्शन बनाएगा, रिफ्लेक्शन करेगा नहीं करेगा, परावर्तित प्रकाश जो भैया जब घूमेगा तो कभी ज्यादा पड़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी उधर पड़ रहा है,
तो जो ये परावर्तित क्षेत्रफल बदलता रहता है इसी को हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं, इसी को कहते हैं फेजेस ऑफ द मून। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे स्विच की। क्या बताया था मैंने स्विच की, रुचिका, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखीय में होते हैं उसी को हम कहते हैं स्विजी घी की स्थिति। लिख लीजिएगा, सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की रेखीय स्थिति को स्विजी कहा जाता है। भाई सूर्य पृथ्वी चंद्रमा की रेखीय स्थिति को हम स्विजी कहते हैं। समझ में आ रहा है, आया ना? अच्छा, अब यही सिजगी दो प्रकार की होती है, युति और वियुति। सिजगी मतलब तीनों सामने हैं, तो ये दो प्रकार की हो सकती है, हो सकती है। ये मून है, ये इधर भी आ सकता है, ऐसा भी हो जाएगी और ये ऐसे भी रहेगी। मून ये रहेगा, इधर भी हो गया मून। तो ये जो सिजगी की स्थिति है, ये जो सिजगी की स्थिति है, ये दो प्रकार से होती है। एक होती है युति और दूसरी होती है वियुति। एक होती है युति और दूसरी होती है वियुति। समझ में आया राजेश साहब? युति में सूर्य ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़ता है, लिखा है, देख ली मैंने तुम्हारी टही आंखों की कहां जा रही है। ओके, तो क्या कहते हैं, युति और वियुति, ये सिजगी की लिख लेनो, दो स्थिति होती युति और वियुति। पहले हम करेंगे युति। युति का मतलब क्या बताया था, कंजक्शन, CONJUST, कंजक्शन मतलब सेंटेंस को जोड़ना। इंग्लिश में जब पढ़ते तो कंजक्शन मतलब जोड़ना होता है। ओके, कंजक्शन की स्थिति में देखो, सुनो, अमावस्या कैसे होती है, एक बच्चे ने पूछा है, जब ये सन है, सन ये सीधा सीधा पड़ रहा है तो इसका प्रकाश यहां आ गया, ये सन क्या बन गया, बैरियर, बैरियर बन गया। तो ये देखो, ये लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है, अब लाइट इस चंद्रमा ने रोक लिया, तो ये तो इसका जो प्रकाश हमें दिखाई नहीं दिया जो हम देखते हैं, तो ये क्या हुआ, सूर्य छुप गया, तो ये हो गया सूर्य ग्रहण। अब जब प्रकाश इधर पड़ रहा है, तुम लोग यहां बैठ के, ये देखो ये पड़ रहे हो बैठ के मेरे पास, ये बैठे हो, तो तुम्हें यहां का क्या दिखाई दे रहा है, डार्क, बट डार्क साइड ही दिखाई दे रही, नहीं दे रही है, क्या दिखाई दे रहा, काला, तो चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा, तो ये क्या हो गया हमारा, अमावस्या। मेरे पास समझ में आ रही नहीं आ रही, क्या हो गया, अमावस्या। अब ये यहां आ गया, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी रोक रही है, लेकिन पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसका प्रकाश इसके ऊपर पड़ रहा है, रिफ्लेक्शन तो वायुमंडल करेगा भाई, इसका प्रकाश पृथ्वी रोका, चंद्रग्रहण की स्थिति, लेकिन जो पृथ्वी का वायुमंडल है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन जैसी चीज होती नहीं होती, परावर्तन, अपवर्तन, तो ये जो वायुमंडल का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है, इसलिए हमें चंद्रमा नारंगी, ऑरेंज, लाल दिखाई देता है, नहीं देता, फुल मून लाल होता है, तो वो वायुमंडल का प्रकाश का परावर्तन उस पे पड़ता है, वो चंद्रग्रहण की स्थिति होती है। जितेंद्र समझ में आया या नहीं आया मुझे इतना बता दो बस, जितेंद्र समझ में आया नहीं आया फटाफट बताओ, तुम्हें बताया था मैंने, क्लियर हुआ नहीं हुआ भाई, ये दिखेगा कैसे हमें, देखो फिर समझो, चंद्रमा का हम अपनी आंखों से जो चंद्रमा दिखाई देता है, कल भी मैंने बताया था 51% हिस्सा ही देख पाते हैं, कितना हिस्सा देख पाते हैं, सॉरी 59% देख पाते हैं, कितना देख पाते हैं 59, हमें कभी भी उसका 49% एरिया, 41% एरिया कभी भी नहीं दिखता। मेरे पास समझ में आ रहा है, चंद्रमा का कितना हिस्सा देख पाते हैं हम, 59% एरिया हम देख पाते हैं, 41 जो परसेंट एरिया है वो हमें कभी भी दिखाई नहीं देता। क्वेश्चन आ सकता है कितना हिस्सा दिखाई देता है, 14% ऐसा हिस्सा होता है चंद्रमा का जो कभी कभार हमें दिखाई देता है, समय समय अंतराल पर दिखाई देता है 14%। देखो पूरा तुम 59% हमेशा नहीं देख सकते, 14% ऐसा हिस्सा होता है चंद्रमा का जो कभी कभार दिखाई देता है। देखो चंद्रमा पे क्या क्या है, तीन चीजें बताई थी, सागर है, पानी नहीं है, गड्ढा, सागर है, पर्वत है, और क्या है, घाटियां, गड्ढा नहीं बेटा, घाटियां, हाँ घाटियां, सागर, सी,
वैलीज माउंटेन। हमारे जो नील आर्मस्ट्रांग ने जो पहला कदम रखा था वो सागर में रखा था। सामने जो प्रकाश पड़ रहा वहां तो रख ही नहीं सकते थे क्योंकि वहां का तापमान था 243 डिग्री सेल्सियस, रखते ही पिघल जाते, दिक्कत आ जाती। तो उन्होंने काले धब्बे पे रखा था और वो काला धब्बा था हमारा सागर, जिसका नाम था शांत, शांत सागर, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सी ऑफ ट्रांसक्यूलिटी। ट्रांसक्यूलिटी पे हमने पैर रखा था, शांत सागर पे रखा था। समझ, तीन चीजें हैं और चीज है ही नहीं। तो ये जो पीछे का हिस्सा था, जो ठंडा हिस्सा है, वहां पे हमने पैर रखा था। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो 59% जैसे मैंने बताया था कल हम देख पाते हैं, 41% कभी नहीं देखा जाता क्योंकि वो हमेशा पृथ्वी के रोटेशन में पीछे का तरफ रहता है। वो स्थिति यहां बन जाती इधर का, तो ये ब्लैक हो जाता है। ओके, ओके फाइन। तो फिर प्लीज नोट करें। ओके, तो बात आई हमारी, दो स्थितियां बनती है। पहली कौन सी बेटा? हमारी युति। युति लिखिए, प्रथम हमारी युति कंजक्शन। इसमें जो स्थिति होती है वो कौन सी स्थिति होती है? चंद्रमा कहां होता है? बीच में होता है या पृथ्वी बीच में होती है युति के अंदर? जयति बताएगी मुझे किसके? पक्का युति चंद्रमा बीच में आ गया? सही बोल रही है। छुप, क्या क्या हरकतें करनी पड़ती छुपाने के लिए कि तुम पढ़ो। ओके, चंद्रमा युति के अंतर्गत सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा होता है। युति के अंतर्गत सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा होता है और इसके फलस्वरूप क्या होती है? पूर्णमासी या अमावस्या? अमावस्या। इसी के कारण अमावस्या हिंदी और इंग्लिश में एक ही रहता है ना? उसे आप ये मत कर लेना, लिख सकते हो डार्क फॉर्टनाइट, लिख सकते हो। यू कैन राइट डार्क फॉर्टनाइट, ब्राइट फॉर्टनाइट और डार्क फॉर्टनाइट लेती है मतलब। तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य में होता है, इसी का परिणाम होता है, इसका रिजल्ट होता है कि अमावस्या की रात होती है। अमावस्या की रात होती है, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि पीएससी जेके 017 आपका आंसर, मैंने फिर से मैं आपका आंसर दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। क्योंकि सूर्य का कुछ भाग या समूचा भाग नहीं दिखाई पड़ता, सूर्य का कुछ भाग या समूचा भाग नहीं दिखाई पड़ता, सूर्य का कुछ भाग दिखाई नहीं देता या फिर पूरा का पूरा सूर्य ही दिखाई नहीं देता, जिसका कारण क्या है? मून बैरियर का काम करता है, बीच में आ गया ना, तो चंद्रमा अवरोध का काम करता है। क्लियर हो गया? इसी कारण से अमावस्या की आती है। वहां तो अंधेरा हो गया, छुप गया पूरा, तो वहां पर क्या हो गई? हमारी अमावस्या आ गई। ओके, 20वीं सदी में कुल 3 पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़े हैं। 20वीं सदी में कुल 20वीं, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, 20वीं सदी में कितने पड़े हैं? 3 पड़े हैं, मैंने बताया था 20वीं में, और 18वीं का एक बताया था और 21वीं का एक बताया 2009 में। तो 20वीं सदी में 3 सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण। देखो फिर याद रखो, किसी भी, ये मैंने बोला था, किसी भी एक स्थान पे पूर्ण सूर्य ग्रहण 360 सालों में दिखाई देता है, लेकिन मैं समस्त पृथ्वी की बात कर रहा हूं, तो 20वीं सदी की बात कर रहा हूं। तो 20वीं सदी पे ऐसे 3 स्थान होंगे जहां पर हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति देखने को मिली होगी। मेरे पास समझ में आ रही नहीं आ रही? ऐसे कितने स्थान होंगे? 3 स्थान होंगे जहां पर हमें पूरा का पूरा हमें देखने को मिलेगा, सूर्य ग्रहण देखने को मिला। लिख लीजिएगा, 16 फरवरी 1980, मैं लिखवा क्यों रहा हूं, लिखा है सामने, लिखा हुआ है 16 फरवरी 1980, 24 अक्टूबर 1995, 24 अक्टूबर 1995, 11 अगस्त 1999,
11 अगस्त 1999, ये हमारे 20वीं सदी के हैं, 20th सेंचुरी। 19वीं का लिख लीजिए, 1898, और 21वीं सदी का पढ़ा था 2009, वेरी गुड। जुलाई बताया था, 22 जुलाई 2009, लिखना तो लिख सकते, 22 जुलाई 2009 में हमारा सूर्य ग्रहण पड़ा था पूर्ण रूप से। ओके फाइन, अब देखो एक चीज ध्यान रखना, पूरा सूर्य ग्रहण देखना उसकी अवधि कितनी होती है? मैं भेड़ा हूं क्या? मैं इसे देख रहा हूं तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें देख रहा हूं तुम आंसर दे रहे हो? हैं? मैं इसे देख रहा हूं, नहीं वो ठीक है, अवधि अवधि अवधि, टाइम मिनट कितने होते हैं? सही है ना, हमारे बच्चों की इतनी तेज आके होती है एग्जाम हॉल में, दूसरी कॉपी देख ले तो वहां, अच्छा वेरी गुड, ये काम है अच्छी है। जो 7.5 मिनट की जो अवधि रहती है, मतलब जो पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है पड़ता है, वो इतना ज्यादा देखना खतरनाक नहीं होता जितना कि अल्प और अर्ध सूर्य ग्रहण ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें फोकस जो आता है वो रेडिएशन ज्यादा बढ़ जाती है, आके कहते हैं खराब हो जाते हैं पूर्ण सूर्य, आप ये भी नहीं कि पूर्ण सूर्य ने कहा था ज्यादा खराब नहीं है पूरा देख पाओ, कल को दिखाई देना बंद ड्रॉप डाल लिया क्या लिखा सर ये क्या, यहाँ बैठ जाओ तभी दिख रहा। कहने का मतलब वैज्ञानिक कहते हैं कि हम पूर्ण सूर्य ग्रहण देखते हैं वो ज्यादा खतरनाक नहीं होता, खतरनाक तो वो भी होता है, लेकिन जो आंशिक रूप से जो सूर्य ग्रहण पड़ता है वो ज्यादा खतरनाक, बिकॉज ऑफ रेडिएशन फ्लो, रेडिएशन ज्यादा होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण में हमें कोरोना देख सकता है, प्रकाश मंडल होता है ना वहां का, वायुमंडल कोरोना, वो हम देख सकते हैं, उधर का देख सकते हैं। खैर अभी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ओके नोट कर लो बेटा। ओके, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने, अच्छा आप एक बच्ची बताएगी, खड़ा हो जाओ, मैं ये बताएगी मुझे संतोषी बिटिया, एक कैलेंडर वर्ष में कितने सूर्य ग्रहण पड़ सकते हैं, ग्रहण की स्थिति कितनी पड़ती है, कहीं नहीं दिखने वाला बेटा, दिख रहा है? 7 बार, कितनी बार? 7 बार, लिख लो बेटा लिख लो, एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम, एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 7 बार, एक कैलेंडर वर्ष में 7 बार, ये लिखा है ना, कितने ग्रहण होते हैं, सूर्य हो या चंद्र हो, एक कैलेंडर वर्ष में 7 बार ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है, 7 times, ओके नहीं हो सकती, अभी तक ऐसा नहीं हुआ, आगे हो जाए तो पता नहीं है, हो सकती है आगे होगी, क्यों होगी, पृथ्वी की गति धीरे होती जा रही है, जैसे भी मैंने बताया 1453 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम से पूरब घूम रही है, कितनी गति है, लेकिन क्या उल्काएं हमारी पृथ्वी पे आ रही हैं, मट्टी आती भले ही वो चूरा बन जाती है, मैं बड़े बड़े उल्का नहीं कह रहा, वो आग में बर्न हो जाती है और भले ही वो हमारी पृथ्वी पे आ रही है, लेकिन हमारी पृथ्वी की डेंसिटी बढ़ रही है, घनत्व बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे, हमारी पृथ्वी का घनत्व बढ़ रहा है, अब जो भारी चीज होगी वो धीरे घूमेगी, ऑब्वियसली बात है, तो उसकी जब गति धीरे होगी तो और धीरे हो जाएंगे, कम होंगे, ज्यादा तो नहीं हो सकते, ज्यादा तभी हो सकते हैं जब आधा हिस्सा धूमकेतु टकराए, हिस्सा अलग हो जाए तो उसकी स्थिति गति बढ़ जाएगी ना, सवारी को फेंक दो निकाल के तो कार तेज चलती है, हाँ है ना तो बढ़ जाएगी, तो ज्यादा आ सकते हैं, इसकी तभी आएगी ना घूम के आए सामने, लेकिन अभी क्या डेंसिटी बढ़ रही है, अभी जो हम पढ़ते ना 5.5 औसत और 13.3 नीचे तक की केंद्र की 17 अगस्त के अनुसार, ऊपर की 2.7 से लेके 3 एवरेज, 3.2 लेकिन 3 मानते हैं औसत, डिवाइड कर दो 2.2 को 2.7 को डिवाइड कर दो तो वो क्या बढ़ जाएगी धीरे धीरे, ऐसी अगर उल्काएं आती रही हमारी औसत होगी 10 घनत्व, एनीवे ये समझ, हाँ साल में 7 बार सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है, 7 times, बातें नहीं प्लीज, इनमें से चार से पांच बार सूर्य ग्रहण तथा 3 से 4 बार चंद्र ग्रहण आता है, 4 से 5 बार सूर्य ग्रहण, सब कुछ लिखा हुआ है, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण 3 से 4 बार
स्थिति बनती है। समझ में आ रहा है? पृथ्वी के किसी भी स्थान से पूर्व सूर्य ग्रहण, पृथ्वी का अगर मैं कोई भी किसी भी स्थान ले लूं तो पूर्व सूर्य ग्रहण लगभग 360 वर्षों में एक बार ही दिख सकता है। 360 ईयर में अगर मैं पृथ्वी का कोई स्थान लेता हूं, किसी स्थान से पूर्व सूर्य ग्रहण की जो स्थिति दिखाई देगी वो 360 वर्षों में एक बार स्थिति दिखाई देती है। क्लियर हो रहा है? एक सदी में औसत सूर्य ग्रहण की संख्या कितनी हो सकती है? वेरी गुड। एक सदी में क्योंकि मैं आपको युति पढ़ा रहा हूं तो सूर्य ग्रहण की चर्चा करूंगा, क्यों, एक सदी में सूर्य ग्रहण लगभग 238 बार 238 बार पढ़ सकते हैं, 238 बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, पूर्व सूर्य ग्रहण कितने मिनट का होता है? सामान्य रूप से 7.5, लिख लीजिएगा। सामान्यतः पूर्ण सूर्य ग्रहण की जो स्थिति होती है, वो लगभग 7.5 मिनट की होती है, 7.5 मिनट की होती है। लिखा था ना मैंने कहीं, हाँ ये रहा, 7.5 मिनट की होती। ओके, और आंशिक सूर्य ग्रहण कितने घंटों तक रह सकता है? वेरी गुड, आंशिक सूर्य ग्रहण लगभग 4 घंटे तक का हो सकता है। ठीक है, ओके, पूर्ण सूर्य ग्रहण इतना खतरनाक नहीं होता, हानिकारक नहीं होता जितना आंशिक या वलयाकार होता है, गोल, जितना आंशिक और वलयाकार होता है। समझ में आ रहा है? पूर्ण चंद्र सूर्य ग्रहण इतना खतरनाक हानिकारक नहीं होता जितना कि आंशिक होता है। बस ये मेरा हुआ है युति खत्म। आप कोई डाउट तो नहीं है युति में? पक्का बताओ, यस ओर नो? चलो ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, अब हम करेंगे व्युति। व्युति व्युति को हम जानेंगे अभी। ऑनलाइन स्टूडेंट बस एक मिनट वेट करो, ये मिट रहा है, मैं व्युति की बात करूंगा। आप लर्न क्या करो, जो लिखा है लर्न क्या करो, इधर देखना नहीं है, हर मिनट हमारा यूटिलाइज होना चाहिए अगर सिविल सर्विसेज की दौड़ में सबसे आगे रहना है तो। अभी आपको यही पता लग जाएगा कि देखो व्युति पीएससी 25, अभी आपका आंसर पूरा लेक्चर खत्म होने तो आपका आंसर उसमें छुपा हुआ है। व्युति मतलब क्या होता है? अपोजिशंस। ठीक है, और व्युति की स्थिति हमारी बन गई अर्थ, मून, सन। न्यू मून यहां बना था हमारा अमावस्या, फुल मून यहां बना। ये वो छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है, फुल मून यहां बना हमारा, पूर्णमासी।
पूर्ण मासिक है, ठीक है। देखो जब हमारा जो चंद्रमा होता है बेसिकली जैसे 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 अमावस्या से पूर्ण मासी की ओर बढ़ता है, इसे हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। क्या कहते हैं हम? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का आकार बढ़ता है, उसकी चमक बढ़ती है। आकार बढ़ता है और उसकी प्रकाश बढ़ता है, समझ में आ रहा है? इसे हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं ब्राइट फॉर्टनाइट। और जैसे जैसे ये हमारा दूर होता जाता है, इसका आकार घटता चला जाता है, समझ में आ रहा है? उसे कहते हैं कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष जिसे हम कहते हैं डार्क फॉर्टनाइट। ठीक है, डार्क फॉर्टनाइट। शुक्ल पक्ष मतलब चमकला होना, ब्राइट होना। कृष्ण पक्ष मतलब डल होना, डार्क होता चले जाना। शुक्ल पक्ष कृष्ण, समझ में आया? हम वैसे पढ़ते शुक्ल पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो कहते कृष्ण पक्ष में ज्यादा काम नहीं करते, शुक्ल पक्ष में ज्यादा अच्छा माना जाता है हिंदुओं कि उसमें हम ज्यादा काम करना शुरू करते हैं। तो ये हमारा ये एक एटमोसफेयर, ठीक है। अब जब पूरा चंद्रमा होता है, जब उसकी ब्राइटनेस होती है, फुल मून होता है, फुल मून की स्थिति को हम कहते हैं वैक्सिंग मून भी कहते हैं, हार्वेस्ट मून भी कहते हैं, HARVEST, हार्वेस्ट मून, वैक्सिंग मून। वैक्सिंग मून यानी वर्धमान चंद्रमा। कभी वर्धमान आए तो कंफ्यूज है, वर्धमान चंद्रमा कौन सा है? फुल मून को ही हम क्या कहते हैं? वर्धमान चंद्रमा, ठीक है। जब वर्धमान चंद्रमा कहते हैं, तो शुक्ल पक्ष हो गया पूर्णमासी, इधर चला तो कृष्ण पक्ष की तरफ चला, उसकी ब्राइटनेस जब खोना डार्क की तरफ चलता है, मूव करना शुरू कर दिया, हार्वेस्ट मून, वैक्सिंग मून यानी वर्धमान चंद्रमा के नाम से यह हमारा चंद्रमा जाना जाता है। ऐसी स्थिति को हम कहते हैं लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण, लूनर, लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण की स्थिति। इसमें पृथ्वी सूर्य के मध्य आ जाती है, अब प्रकाश जाना बंद हो जाता है, हाँ या ना? लेकिन वो चमकता क्यों है? क्योंकि हमारा जो प्रकाश जब पृथ्वी पर है वायुमंडल से, वायुमंडल का प्रकाश उसके ऊपर पहुंच रहा होता है, तो उसी कारण वो चमक हमारी को चंद्रमा जैसी दिखाई देती है, लाल चंद्रमा दिखाई देता है। आपने देखा होगा लाल जब होता है तो लाल एकदम चंद्रमा देता है, पूर्णमासी का मतलब वो रहता है। तो ये हमारा क्या है? VUT, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ओके, अब हमारा आता है सुपर मून। PSC क्वेश्चन आया सुपर मून। भाई सुपर मून की स्थिति होती क्या है? सुपर मून कोई ज्यादा खास चीज नहीं होती। जब वृत्ताकार ये मून जब घूम रहा होता है, जब वृत्ताकार, खत्म हो रहा टॉपिक, बस समझ लो जल्दी, जब वृत्ताकार ये मून जब हमारा घूम रहा होता है, इधर से इधर आके घूम रहा होता है, तब एक ऐसी दूरी आती है जिसमें जो मून होता है वो पृथ्वी के काफी पास होता है। मेरा समझ में आ रहा है? जब वो एक ऐसी दूरी, जब वृत्ताकार परिक्रमा लगा रहा था यानी रेवोल्यूशन यानी परिक्रमण जो मैंने बताया था, तो परिक्रमण करते समय एक ऐसी स्थिति आती है जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत पास होता है और आकार में बड़ा दिखाई देता है। उसी स्थिति को नियर जब पोजीशन होती है मून की, उसी को हम क्या कहते हैं? सुपर मून कहते हैं। कोई डाउट तो नहीं है? एक आता है, प्लीज बातें मत करो, ब्लू मून। अब ये ब्लू मून क्या है? सुपर मून समझ में आया? कोई प्रयोग पूछ सकते हैं बेटा? सुपर मून नहीं आया? रिपीट कर दें। देखो ये जो मून है ऐसे घूम रहा है, वृत्ताकार जा रहा है, चक्कर लगा रहा है पृथ्वी, कभी पृथ्वी घूम रही है, कभी स्थिति ऐसे आती है ये कुछ किलोमीटर पास आ जाता है, लगभग 364 है पास की स्थिति। देखो अपभू
उपभू, पेरिलियन और फेरिलियन दो स्थिति होती है, उप और अपभू, उपभू ये क्वेश्चन आते हैं। अप मतलब उठाओ चला गया यानी दूर, अपभू उपभू पास की स्थिति। तो जब वो नियर होता है अर्थ के, मून जब एक एक ऐसा आता भाई घूम रहा है, नियरेस्ट कभी ना कभी तो प्लेस होगी ना जो मून नियर आएगा, तो जब वो चंद्रमा अर्थ के नियर आता है तो बड़ा दिखाई देता है, पास आएगा तो बड़ा दिखाई देगा। तुम इतनी दूर बैठे, तुम यहाँ बैठे तो बड़े दिखाई दोगे, मैं इतने से दिखाई दे रहा हूँ क्या बेटा, उसे सुपर मून की स्थिति भी कहते हैं। समझ में आया नहीं आया, सुपर मून। अब ब्लू मून क्या होता है, ब्लू मून क्या होता है समझो मेरे पास, ब्लू मून क्या होता है। अब चंद्र मास देखो, हमारा एक महीना कितने का होता है, 30 दिन, 31 दिन, मेरे पास समझ में आ रहा है, 30 दिन 31 दिन। चंद्रमा का महीना कितने का होता है, 29.5 बेटा। देखो मैंने बताया था ना, 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट, नहीं नहीं सिर्फ वो ये होता है यानी 29.5। तो इसमें आधा आधा दिन तुम्हें लग रहा है कम हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा। पृथ्वी का जो एक महीना है और चंद्रमास जिसे लूनर मंथ कहते हैं, वो पृथ्वी से कम होता है, आधा आधा दिन कम होता जा रहा है, आया ना। तो हमेशा आधा आधा दिन मिला के हर महीने में कुछ दिन बचेंगे नहीं बचेंगे तुम्हारे पास भाई, आधा दिन आधा दिन आधा दिन, 6 दिन और हो गए और ज्यादा ही हो गए दिन बचेंगे। तो उसमें भी हमें क्या दिखेगा, पूर्ण चंद्रमा दिखाई देगा, पूरा दिन बढ़ गए नहीं बढ़ गए। तो जो चंद्रमास चंद्र वर्ष जो होते हैं हमारे, यानी सिड्रल ईयर्स जिसे मैं कहता हूं, साइड्रल ईयर जिसे हम चंद्र वर्ष कहते हैं, चंद्र वर्ष मतलब 29.5 दिन का एक महीना, तो उसके 12 महीने में एक वर्ष होगा नहीं होगा भाई, हम कैसे वर्ष मानते हैं, एक महीना 30 दिन, 12 महीने का एक साल, तो 29.5 दिन का उसका एक मास, लूनर मंथ, आया ना। तो 12 चंद्रमा मिला के एक साल साइड्रल ईयर होगा नहीं होगा। तो इसमें जो एक वर्ष तो बन गया, एक वर्ष तो हो गया, लेकिन कुछ दिन पृथ्वी के हिसाब से बचे रह गए, लेफ्ट रह गए, रह गया नहीं रह गया अभी। तो उसमें भी हमें एक्स्ट्रा फुल मून देखने को मिल जाएगा। तो इसी फुल मून को, यानी इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को, जो 12 मतलब एक साइट्रल ईयर यानी एक चंद्र वर्ष के अलावा जो दिन बचे हुए हैं हमारे पास, उसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, घटना को क्या कहते हैं, ब्लू मून की घटना कहते हैं। कोई डाउट तो नहीं है अभी, यस ओ नो, यस ओ नो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, नोट करो बड़ा, चलो नोट करते चलो, फिर हमारा छूट जाएगा फिर हम। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना, पहले आप थोड़ा सा लिख लो, ये जो शुक्ल पक्ष की बात बताई थी मैंने, व्युति लिख लो। जब पृथ्वी की स्थिति सूर्य के मध्य, सूर्य चंद्रमा के मध्य होती है, क्या हुआ बेटा मुझसे पूछा करो, डाउट है क्या, कॉस्मिक वर्ष मतलब होता है कि जब कॉस्मिक वर्ष होता है, ब्रह्मांड वर्ष, जब सूर्य पूरी आकाश गंगा का परिक्रमा करता है 200 मिलियन सालों में, कहीं कहीं पर 250 मिलियन साल लिखे हुए, उसे कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष। हाँ अभी ये लिख लो, जब पृथ्वी सूर्य चंद्र के मध्य होती है तो उसे हम पूर्णमासी कहते हैं। बेटा अभी लिख लो, मैं फिर से समझा देता हूं बेटा, पहले लिख लो थोड़ा सा, सब यहां मेरे ऑफलाइन बच्चे भी लिख रहे हैं। जब पृथ्वी सूर्य चंद्र के मध्य होती है तो उसे हम फुल मून कहते हैं, फुल मून पूर्णमासी कहते हैं, जब बीच में होती है तो उसे क्या कहते हैं, हम फुल मून की स्थिति कहते हैं, पूर्णमासी कहते हैं। इसे हार्वेस्ट मून भी कहते हैं, ये जरूर लिख लेना बेटा, हार्वेस्ट मून, HARVEST, इसे हम हार्वेस्ट मून भी कहते हैं। और ये स्थिति कब होती है, मैंने इसे पहले बताया था, ऑटोमन इक्यूनिक्स फिशर बिशुप में, ये मैं बताऊंगा फिशर बिशुप क्या होता है जब हम वो बताएंगे, फिशर बिशुप ऑटोमन इक्यूनिक्स कहते हैं इंग्लिश में, ऑटोमन AUTUMAN, ऑटोमन इक्यूनिक्स शिशिर विशुभ में होती है। देखो क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है,
पूर्णमासी कब पड़ेगी? शिशिर विषुव में पड़ती है। ओके ओके, पूर्णमासी की रात में, पूर्णमासी की रात में जब सनसेट होता है या सनराइज तक, सनसेट होने से, पूर्णमासी की रात में सनसेट होने से मतलब सूर्यास्त होने से सूर्य उदय तक चंद्रमा गोल ही दिखाई देता है, आधा अधूरा नहीं दिखाई देता। पूर्णमासी की समय सनराइज से सनसेट होने तक जो चंद्रमा होता है वो हमेशा गोल ही दिखाई देता है, ठीक है। और ये स्थिति लूनर एक्लिप्स की होती, चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है, ये स्थिति चंद्र ग्रहण की भी होती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अमावस्या से पूर्णमासी तक चंद्रमा का आकार बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है। अमावस्या से लिख लिया आगे, बस अमावस्या से पूर्ण ग्रहण की स्थिति लिख ली आपने, स्थिति होती है, बस आगे लिखना है अमावस्या से पूर्णमासी तक, पूर्णमासी तक चंद्रमा का आकार निरंतर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। क्या होता है? अमावस्या से लेकर क्या कहते हैं पूर्णमासी तक चंद्रमा का आकार बढ़ता जाता है, और इसको बढ़ने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वैक्सिंग मून कहते हैं, WAXNG, वैक्सिंग, वैक्सिंग मून कहा जाता है। जो आकार बढ़ रहा है धीरे धीरे उसे हम बेसिकली वैक्सिन मून कहते हैं। और ये कृष्ण पक्ष की स्थिति होती है, शुक्ल पक्ष की, शुक्ल याद रख लो, शुक्ल लोग बड़े ही होते हैं, शुक्ल पक्ष मैं ऐसे याद करूँ, शुक्ल पक्ष मतलब मेरा, शुक्ल पक्ष बड़े, हम बड़े हैं, शुक्ल मतलब बड़ा होना, तो इसे हम शुक्ल पक्ष की स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे बेटा? शुक्ल पक्ष की स्थिति कहते हैं, वैक्सिन मून कहते हैं। और शुक्ल पक्ष मतलब ब्राइट फॉल्ट नाइट, ब्राइट फॉल्ट लिखा भी है उसमें, शुक्ल पक्ष मतलब ब्राइट फॉल्ट नाइट की स्थिति कहते हैं। और जब पूर्णमासी से अमावस्या की ओर आता है तो उस अवधि को हम डार्क फॉल्ट नाइट कहते हैं, कृष्ण पक्ष कहते हैं। इस अवधि में लगातार घटता जाता है आकार, घटता चला जाता है। अगला बताया था मैंने सुपरमून, सुपरमून फटाफट नोट कर लें, सुपरमून जब किसी पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी, जब किसी पूर्णिमा को, ये पूर्णिमा की स्थिति बताई जा रही है, जब किसी पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी, जो उसकी कक्षा होती है ना, ऑर्बिट अपना घूम रहा होता है, अपनी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, जो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा होती है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या होता है? पृथ्वी के दूर जाता है या पास आता है? पास आ जाता है। जब चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी के समीप आ जाता है, निकटतम बिंदु होती है, समीप स्थित होता है, उसे हम सुपर मून कहते हैं। जब चंद्रमा अपनी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा से होता हुआ पृथ्वी के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाता है उसे हम सुपर मून की स्थिति कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया ब्लू मून, ब्लू मून क्या बताया था मैंने राजेश, क्या बताया था? जो 12 के अलावा भी दिन बसते जाते हैं ना, 29.5 दिन का होता है, जो दिन बच रहे हैं उसमें हमें पूर्ण चंद्रमा की प्राप्ति होती है, ये घटना है, उसी को हम क्या कहते हैं? फुल मून कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, ब्लू मून, ब्लू मून ऐसी घटना को कहते हैं, ब्लू मून एक ऐसी घटना को कहते हैं जब एक सौर वर्ष में, सोलर ईयर मतलब 365, जब एक सौर वर्ष में 12 चंद्रमासों में से कुछ अधिक दिन होते हैं, भाई एक साल में 12 चंद्रमास ज्यादा कम होंगे, कुछ दिन बचेंगे ही बचेंगे क्योंकि उनका 29.5 दिन का होता है, हमारा सौर वर्ष 30 और 31 दिन से निकालते हैं हम, तो जब एक सौर वर्ष में 12 चंद्रमासों में से कुछ अधिक दिन
होते हैं, क्योंकि एक चंद्रमास कितने दिन का होता है, 29.5 दिन, ये लिख लेना, क्योंकि एक चंद्रमास 29.5 दिन का होता है। तो हमें अतिरिक्त पूर्णिमा के दर्शन होते हैं। ठीक है, उसी को हम घटना को क्या कहते हैं, फुल मून। समझ में आया? ब्लड मून लिख लीजिएगा, ब्लड मून। ये बताया था ना मैंने, देखो ब्लड मून सुन लो, विनती है सुन लो, बता चुका हूं ऑलरेडी। ब्लड मून मतलब पृथ्वी यहां पर है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर चंद्रमा पे नहीं पहुंच रहा, क्योंकि इस समय पृथ्वी बैरियर बन चुकी है। पृथ्वी का जो प्रकाश है उसके वायुमंडल से रिफ्लेक्ट होके वायुमंडल से उस पर पहुंच रहा है, और हमें जो चंद्रमा है वो नारंगी और लाल दिखाई देता है। 2014 और 15 में ऐसी घटना 4 बार हुई थी हमारे वैज्ञानिक अनुसार। 2014 और 15 में ब्लड मून की घटना, ब्लड मून की घटना 4 या 4 बार हुई थी। इसे वैज्ञानिकों ने टेट्राड का नाम दिया था। ब्लड मून की घटना लिख लीजिएगा, ब्लड मून, ब्लड मून लिख लीजिएगा। ब्लड मून मतलब चांद बिल्कुल लाल दिखाई पड़ता है, क्योंकि चांद बिल्कुल लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता पृथ्वी के कारण चांद पर। लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि सूर्य की लाइट बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाती चंद्रमा पर। परंतु पृथ्वी के वातावरण से दूर प्रकाश चंद्रमा तक पहुंच जाता है, परंतु पृथ्वी के वातावरण से दूर तक प्रकाश पहुंच जाता है। वातावरण क्या होता है बेटा? वायुमंडल से ही लगाते हैं, समझ में आ रहा? प्रकाश दूर तक पहुंच, वातावरण से दूर तक पहुंच जाता है, जैसे वो लाल और नारंगी दिखाई देने लग जाता है, लाल और नारंगी दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, दिखाई देने लग जाता है। 2014-15 में कितनी बार दिखाई देती घटना ये? 4 बार 2014-15 में। अच्छा, 2004 मतलब ऐसा क्या हुआ होगा? रुको, पहले बताओ 2014-15 में ऐसा क्या हुआ होगा कि हमें लाल और नारंगी दिखाई दिया होगा? पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ा होगा, समझ में आया? पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ा होगा। हाँ, तो 2014-15 में 4 बार ऐसी घटना हुई, यानी 4 बार पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना हुई, जिसे हमें वैज्ञानिकों ने ट्रेटार्ट की संज्ञा दे दी। ट्रेटार्ट का, जिसे वैज्ञानिकों ने ट्रेटार्ट कहा। समझ में आ रहा है? जिसे ट्रेटार्ट कहा, बस खत्म। कोई डाउट तो नहीं है अभी इसमें? भाई ब्लड मून क्या होता है? जब लाल और नारंगी दिखाई दे। लाल और नारंगी कब दिखाई देगा? जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, वायुमंडल सारा रुक जाएगा, उस पर टकरा के जाएगा हमारे। देखो फिर से मैं बता रहा हूं, थोड़ा सुनो। 2 यान आपको याद रखने है, एक तो चंद्रयान 1, एक चंद्रयान 2। अभी की बात है, चंद्रयान 1 2008 की घटना है। घटना नहीं यार, हमारा आविष्कार, हमारा मतलब अचीवमेंट कहूंगा। देखो मून का हम 59 हिस्सा ही देख पाते हैं। कितना हिस्सा देख पाते हैं? 59 हिस्सा देख पाते हैं। 41% ऐसा हिस्सा है जो हम कभी नहीं देख सकते। इसमें से भी 18% हिस्सा, 14 से 18% हिस्सा कभी कभार ही दिखाई देता है, कभी कभार ही दिखाई देता है। कितना? 18% हिस्सा
कभी कभार ही दिखाई देता है। तो चंद्रमा को जानने की जिज्ञासा हमें हमेशा रही है, ठीक है। लूनर, अब चंद्रमा है तो लूनर नाम होगा, सूर्य होता तो सोलर होता, बच्चे सोचते हैं लूनर करें सोलर करें। तो लूनर प्रोस्पेक्टर यूएसए ने 1998 में लूनर प्रोस्पेक्टर नाम का यान चंद्रमा की गुत्थी सुलवाने, रहस्य सुलझाने के लिए भेजा था। समझ में आया, कब भेजा था? 1998 में लूनर प्रोस्पेक्टर यूएसए के द्वारा चंद्रमा की रहस्य की गुत्थी सुलझाने के लिए भेजा गया था। उसके बाद भारत ने अगस्त 2008 में चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान वन, अगस्त 2008 में चंद्रयान वन भेजा, जिस पर नासा ने, ये गया, इसने एक साल तक काम किया, 2008 से 2009 तक कार्य किया। 2009 में इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, यानी जो भी कारण हो इसने कार्य करना बंद कर दिया। एक साल तक इसने, ये वही यान है जिसने चंद्रमा पर पानी होने की उपस्थिति बताई, क्वेश्चन आ सकता है। नहीं, कौन सा ऐसा यान है कि जिसने पानी होने की उपस्थिति बताई है? तुम ये नहीं कहोगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, तुम ऑप्शन में यही करते हो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो निकल के भागा, ये आंसर होगा, मेरा दिल कह रहा है। ऐसे पीएससी नहीं निकलता, पीएससी निकल सटीकता से, अक्कड़ बक्कड़ से नहीं। चंद्रयान प्रथम ने पानी होने की मतलब बताई। अब इसने भी नहीं बताया बात क्या थी, चंद्रयान प्रथम 2008 में गया, 2009 में उसने कार्य करना बंद कर दिया, लेकिन एक साल तक अपना कार्य करने से, बंद करने से पहले उसे जिस उद्देश्य से वहां भेजा गया था उसने वो अपना उद्देश्य जरूर पूरा कर दिया। उसने, उसके ऊपर नासा का एक रडार लगा हुआ था, इसे हम M3 के नाम से भी जानते हैं, चंद्रयान को हम कहते हैं M3। अगर M3 लिखा हुआ है तो समझ लो चंद्रयान की बात की जा रही है। इसके ऊपर, चंद्रयान के ऊपर एक रडार लगा हुआ था नासा का, समझ आ रहा, उसे हम कहते हैं सिंथेटिक रडार, सिंथेटिक रडार कहा जाता है, एपचर, एपचर कहते हैं, एपचर सिंथेटिक रडार जिसे कहते हैं। उस रडार ने वहां पर पानी होने की उपस्थिति देखी। अब M3 का मतलब होता है मून हो गया, हमारा मेन मेकर हो गया मून, मिनेरो मिनेरो मैप, मैपर है ना। तो M3 आप याद रखो, मून मिनेरो मैपर के नाम से ऐप था, उसके ऊपर रडार लगा था, किसका रडार था? नासा का, जिसे हम सिंथेटिक रडार कहते हैं, वहां पे एपचर, एपचर कहते हैं, एपचर रडार था। इस रडार के नाते हमने वहां पे पानी होने का सिग्नल ले लिया था। नोट कर लो फटाफट, ये दो चार लाइन लिख लो, खत्म हमारा, खत्म हमारा। ये लिख लो बस, लूनर, ये लिख लो, हमें कितना पार्ट कभी कभार दिखाई देता है? कभी कभार 18 हमें चंद्रमा का कभी कभार जो क्षेत्र दिखाई देता है वो 18% दिखाई देता है। कितना दिखाई देता है? 18% कभी कभार दिखाई देता है। हम पृथ्वी से 59 हिस्सा चंद्रमा का हमेशा देखते हैं, ठीक है, 41 कभी नहीं देखते चंद्रमा का, हम कभी भी 41 हिस्सा हम कभी भी नहीं देखते। लूनर प्रोस्पेक्टर कब भेजा गया था? 1998 में, लिखो, लूनर प्रोस्पेक्टर यूएसए ने 1998 में भेजा गया था, ठीक है। चंद्रयान कब भेजा गया था? 2008। चंद्रयान भारत ने 2008 में भेजा गया था, और कब इसने काम करना बंद कर दिया था? अगस्त 2009 में इसने कार्य करना बंद कर दिया। शॉर्ट में लिख लो बस, ये तो अगस्त मतलब 2008 में भेजा गया था भारत ने, और अगस्त 2009 में इसने काम करना बंद कर दिया था, ठीक है ना। इसी दौरान
इस पे नासा के सचिन भाई बताता हूँ, रुक जाओ पहले लिख लो जो नोट करो, मैंने बोला लेक्चर खत्म हो उसके बाद डाउट मैं बताता हूँ आप लोगों के। इस दौरान इस पे रडार लगा था नासा का, जिसे कहते हैं सिंथेटिक एपचर रडार, लिखा है मैंने सिंथेटिक एपचर रडार। इस पे एक रडार लगा था चंद्रयान एक पर नासा का, जिसे कहते हैं सिंथेटिक एपचर रडार, इसे हम M3 कहते हैं, मून मिनरोलॉजी मैपर, मून मिनरोलॉजी मैपर, M3 याद कर लेना, मून मिनरोलॉजी मैपर M3। फिर रडार लगा हुआ था जिसने हमें मून मिनरोलॉजी मैपर ने सिग्नल देके बताया कि यहां पे क्या उपस्थित है, पानी होने की संभावना मौजूद है। तो दोस्तों मेरा चंद्रमा खत्म होता है, 2 दिन लग गए चंद्रमा में समझाने में, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यस और नो, यस और नो, ओके। दूसरी बात कि जो हमने कराया है ब्रह्मांड, जैसे मैंने टेस्ट बोला शनिवार के दिन, 2 टॉपिक्स पर 150 क्वेश्चन बनाए हैं, कुछ नए बच्चे हैं जो नहीं पढ़ते, मन नहीं लगता इनका, उनसे उम्मीद करूंगा वो टेस्ट जरूर दें ऑब्जेक्टिव, वो याद कर लेंगे, उन क्वेश्चन को भी याद कर लेना, काम आ जाएंगे तुम्हारे। तो ये हमारा खत्म होता है, अब हमारा शुरू होगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नेक्स्ट क्लास में। जैसे बोला था ना मैंने 2 दिन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड खत्म करेंगे, अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी बहुत खतरनाक है। अभी मैं किसी से पूछता हूं कितने अक्षांश होते हैं वो नहीं बता सकता, कोई बोलता है 181, जबकि 179 लैटिट्यूड होते हैं। कौन सी ऐसी जोन है लैटिट्यूड पे जो बिल्कुल 0 डिग्री पर है, किस प्रकार 1 मिनट लैटिट्यूड निकाला जाता है, 1 मिनट में कितना लैटिट्यूड कवर होता है, 186 मीटर, 1.86 मीटर किलोमीटर की हम तय करते हैं। तो अक्षांश और देशांतर सिर्फ वैसे ही नहीं है, मुझे 2 दिन लगेंगे, कल भी मेरा लेक्चर रहेगा अक्षांश समझाने में, और देशांतर 60 का डिवाइड कर दो ना 111 से तो निकल आएगा आपका 90 से डिवाइड किया, देखो परिधि कितनी बताई थी मैंने 12,755 जो हम देखे भूमध्य रेखा, आधा कर दो एक ध्रुवीय 12,712, दोनों के अंतर अंतर है 43 किलोमीटर का अंतर है, 43 को 90 से गुणा करो या 90 से 40,008 को भाग दो तो 111 किलोमीटर निकलेगा। ध्रुव तारा 90 डिग्री पे चमक रहा है, भूमध्य रेखा 0 क्यों हो जाती है, क्योंकि ध्रुव तारे की रोशनी यहां पर नहीं आती, ये एंगुलर डिस्टेंस है, एंगुलर है। तो बहुत कुछ अच्छा समझेंगे हम, क्योंकि मैं ज्योग्राफी या पॉलिटी जो भी है मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं आपको, ऐसा कि मैं जल्दबाजी समझा दूं कर दूं, क्योंकि पेपर ऐसा लगना चाहिए कि आपको पूरा पूरा आता है, का क्वेश्चन है ऐसा नहीं, हमें 100% सक्सेस चाहिए, कोई डाउट तो नहीं है, ओके। एक बच्चा दिखाता केंद्र भी सारी बल कैसे चेंज होता है, देखो मैंने सिंपल सा बताया था, सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है। क्या होता है हमारे मेंटल में तरल पदार्थ, जब मैं आपको इंटीरियर पढ़ाऊंगा तो हमारे जैसे नीचे जाते हैं तरल अवस्था, ये फ्लोटिंग है, तैर रहा है, हमारा क्रस्ट फ्लोट हो रहा है मेंटल के ऊपर, इसे कहते हैं दुर्बलता मंडल। जब हमारी पृथ्वी घूमती है समस्त पूरी पृथ्वी पर एक सा गुरुत्वाकर्षण कभी नहीं रहता, वो समय बदलता रहता है, तो जो नीचे है हमारा जब उभय बल कन्वर्ट होता है इधर आ जाता है दूसरी जगह, जब मून यहाँ आ गया, इसका मतलब है जो देखो मैग्नेट है, चुंबक ले लो, तो चुंबक को इधर घुमाओगे जिस डायरेक्शन चुंबक रहेगी वहां पर ज्यादा फोर्स आपको फील होगा, तो जो उभय सेंटर होता है जो हमारा या मैग्नेट है चुंबक है यानी चंद्रमा है, तो यहाँ के बीच में ज्यादा बल लगता है, इससे क्या होता है हमारा अभी केंद्रीय बल इधर ज्यादा शिफ्ट हो जाता है, बाहर की तरफ फेंकने लग जाता है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ज्यादा हो जाती है उसकी स्थिति, उसके दूसरे छोर पे कम हो जाती है, लेकिन वहां पे हमारा कौन सा अपसारी बल उतना ही रहता है, वो कम नहीं होता, तो ये इधर होना वो अपनी तरफ खींचना, तो जो वेव्स हैं वो इधर भी खींचती हैं और इधर भी खींचती हैं, समझ में आया। तो ये सारा का सारा काम हमारा है उभय कॉमन ग्रेविटी सेंटर से। तो मेरी क्लास अब यहाँ खत्म होती है स्टूडेंट्स, आपकी डेमो क्लास थी, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स काफी जुड़े हुए हैं, उम्मीद करता हूं अगली बार फिर जल्दी मिलेंगे अक्षांश और देशांतर को लेकर। अच्छा आप लोगों को समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट तो नहीं है, प्रकाश प्रशांत ठीक है, डाउट हो तो मेरा टाइम हो चुका है, आप कॉपी भी देख लो,
जो पढ़ाया लिखवा दिया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड, आपने समय दिया इतना, हमारे संग जुड़े रहे। अपना फीडबैक जरूर देना मुझे व्हाट्सएप पे, जो जो स्टूडेंट्स आपसे, हमारे मैनेजर, आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच।